इनर्शिया एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में किसी भी तरह का चेंज पसंद नहीं करता है। मतलब मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, अब ट्रेन अचानक से चल गई, ठीक है, जब ट्रेन अचानक से चलती है तो मेरे बॉडी का जो लोअर पोर्शन है यानी कि जो पैर वाला पोर्शन है वो ट्रेन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो भी एक बार मोशन में आ गया। अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो अपने को पता चल जाएगा भैया mv कांस्टेंट है। mv कांस्टेंट होने का मतलब अगर मास को बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी को घटना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ही dp/dt है। टॉर्क भी 0 होना चाहिए, सारा फोर्स भी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में बेटा 0 होना चाहिए। यही है फ्री बॉडी डायग्राम। Hey guys, welcome everyone to the amazing platform of Physics Wallah. This is शैलेंद्र पांडे, your physics educator. PACE सीरीज में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन क्या है ये हम लोगों ने पढ़ लिया, मोशन स्ट्रेट लाइन में कैसा होता है, मोशन 2 डायमेंशन में कैसा होता है, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इन मोशन के पीछे के लॉज क्या है, यानी कि कौन कौन से बेसिक्स हैं जिनको फॉलो करते हैं ये इक्वेशंस या मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आप सभी को इसमें मजा आ जाएगा। अगर ये चैप्टर एकदम अच्छे से आपको समझ में आता है तो ये आपकी बहुत सारी मुसीबतों का हल लेकर के आ जाएगा, राइट। सो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक डिटेल्ड वन शॉट लेकर के मैं आ गया हूं, लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो न्यूटन साहब थे जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किया। उनके पहले हालांकि गैलीलियो साहब ने भी काफी सारा डिस्कशन किया था, ठीक है। गैलीलियो साहब के लॉ को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन साहब लॉज लेकर के आए। 3 बेसिक लॉज थे, आप सबको आई थिंक थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा, बट आज के इस लेक्चर के बाद वो डिटेल में आपके दिमाग में बस जाएगा। तो आइए अपना आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन साहब का ये जो लॉ है जो कि इंस्पायर्ड था गैलीलियो साहब के लॉ से, ये लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट की कंडीशन में है वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर किसी भी तरह का चेंज पसंद नहीं करता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगा दिया जाए। एक्सटर्नल फोर्स वो होता है जो आप बाहर से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे। तो कोई भी ऐसा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक स्टेट में किसी भी तरह का चेंज मेरे प्यारे बच्चों नहीं आने वाला है, राइट। यानी एवरीबॉडी या एनीबॉडी व्हिच इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट वांट्स टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, any object which is in motion that wants to be in the same motion in same direction until and unless any external force is applied, right। तो language पढ़ लीजिए, everybody continues to remain in the state of rest or uniform motion unless an external force is applied on it. If a particle is at rest, it will remain at rest. एंड इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, देखो कोई ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो इसका मतलब ही होता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दोगे, और मेरे प्यारे बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट में किसी भी तरह का चेंज पसंद नहीं कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो उसको समझ लो आलस, है ना, उसके अंदर जो आलस होता है वही उसका इनर्शिया कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों इनर्शिया एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में किसी भी तरह का चेंज पसंद नहीं करता है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। इनर्शिया का मेजरमेंट किया जाता है बेटा ऑब्जेक्ट के मास के साथ, यानी कि अगर इनर्शिया को बढ़ाना है तो आप ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दिए। जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है यानी इनर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो उतनी ही ज्यादा डेवलप हो जाती है, राइट। सो मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, यानी इनर्शिया इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर इसी को हम लोग बेटा गैलीलियंस लॉ भी कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो साहब के लॉ को ही आगे बढ़ाया गया है इस वाले लॉ में। फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, ये जो फर्स्ट लॉ है इसके बेसिस पर हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू इट It is the device used for changing the state or of the body or particle is called force. कहने का मतलब क्या है? Force क्या चीज है? Force वो कारण है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में कुछ भी चेंज होता है, क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई चेंज उसके स्टेट में नहीं होगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही बना रहेगा, ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से इधर जा रहा है तो वो इधर इसी स्पीड से जाता जाएगा, जब तक कोई फोर्स उसके ऊपर बेटा नहीं लग जाएगा। यही गैलीलियो साहब ने बताया था, यही न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में भी बताया है। तो बात आई सर ये इनर्शिया क्या है, मैं आपको समझा भी चुका हूं। सो इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by virtue of which it opposes the change of state, यानी ऑब्जेक्ट के स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज हम लोग जिस प्रॉपर्टी से करते हैं उसी को इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मास को बढ़ाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। इनर्शिया तीन तरह का है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। तो तीन तरह का इनर्शिया होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो भाई साहब रेस्ट में रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब है ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप उसके ऊपर ना लगा दें, यानी जब तक फोर्स नहीं रहेगा हाँ तब तक वो जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है वो उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में बेटा बना रहेगा, राइट। कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी मोटर कार और ट्रेन फॉल्स बैक व्हेन इट सडनली मूव्स। जैसे मान लो कोई पैसेंजर खड़ा है किसी ट्रेन में, कार में, है ना, कार में तो नहीं खड़े हो सकते हम, ट्रेन में मान लो कोई पैसेंजर खड़ा है और ट्रेन सडनली स्टार्ट हो जाए तो पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ गिरता है, उसको एक झटका फील होता है, नहीं भी गिरेगा तो झटका लगेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण ये है बेटा कि अगर मैं ट्रेन के अंदर खड़ा हूं, ट्रेन रुकी हुई है तो मैं भी रेस्ट में हूं, ट्रेन भी रेस्ट में है, मतलब मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं। अब ट्रेन अचानक से चल गई, ठीक है, जब ट्रेन अचानक से चलती है तो मेरे बॉडी का जो लोअर पोर्शन है यानी कि जो पैर वाला पोर्शन है वो ट्रेन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो भी एक बार मोशन में आ गया, बट अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो कि रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इस वजह से वो मोशन में इतना जल्दी नहीं आना चाहता है। तो पैर आगे की तरफ जा रहे हैं और ऊपर वाला बॉडी अपनी ही जगह पर है तो ऑब्वियस ऐसा फील होगा कि ऊपर वाला बॉडी पीछे की तरफ एक झटका फील कर रहा है और इस वजह से कई बार लोग गिर भी जाते हैं, हैं? हल्के फुल्के दुबले पतले लोग हैं, कौन फैल जाए इसे, हैं? ये भी पॉसिबिलिटी है। पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग मोटर कार और ट्रेन इंक्लाइंस फॉरवर्ड व्हेन इट सडनली स्टॉप्स। बिल्कुल बेटा वही बात है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से कि जब कार चल रही है तो बॉडी भी मोशन में है भैया हमारी, कार पे अचानक से ब्रेक लगाया गया तो बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ, डैशबोर्ड की तरफ जो है लीन कर जाती है, ऐसे झुक जाती है। तो कारण सेम है, पहले वाले में इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, दूसरे वाले में बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस के वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और न्यूटन साहब के सेकंड लॉ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ समझने के लिए पहले बेटा मोमेंटम का फील आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम बेटा क्या चीज है? मोमेंटम इज प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की, किसी भी मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ये मोमेंटम। मोमेंटम है तो समझ लो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोमेंटम की वैल्यू अगर जीरो है मतलब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में भाई साहब नहीं है, राइट। तो अगर कभी भी मोमेंटम जीरो है इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसमें है भैया? रेस्ट में है। अगर मोमेंटम की कोई वैल्यू है इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसमें है बेटा? मोशन में है, ठीक है। तो मोमेंटम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? मोमेंटम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मोमेंटम को स्मॉल पी से हम लोग डिनोट करते हैं। इट इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। सो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। जिस तरीके से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिल्कुल वैसे ही बेटा मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है भाई साहब? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट है। उसके बाद देखो मोमेंटम की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मास का यूनिट हो गया भैया किलोग्राम और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट लिखूं तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका एसआई या एमकेएस यूनिट है, ठीक है। और ये इसका सीजीएस यूनिट होता है। तो ये दोनों बेटा यूनिट्स हो गए, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब आगे की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। अगर मोमेंटम की मैं बात करूं तो हम लोग इसको ग्राफ से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। मोमेंटम जो है वो P बराबर mv के बराबर होता है। अब देखो, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ हमेशा किसी भी दो चीज के बीच का ग्राफ होगा, यानी कि अगर मैं मोमेंटम और मास का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, मोमेंटम और मास का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो ऐसे में मेरे को एक कंडीशन मानना पड़ेगा कि लेट अस सपोज स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अगर बेटा ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो साफ साफ दिख रहा है मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। सो पी प्रोपोर्शनल टू एम, राइट। कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अगला ग्राफ देखिए, अगर मैं मोमेंटम और स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ बनाता हूं तो ऐसे में P बराबर mv तो होता ही है, यहां पर मेरे को मास कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर बेटा मास कांस्टेंट कर दिया गया, है ना, मास कांस्टेंट कर दिया गया तो ऐसे में P प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा, लाइक दिस, P प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा, है ना। यहां पर अगर इस ग्राफ के स्लोप की मैं बात करूं तो ये इस ग्राफ का स्लोप हो गया, जो वेलोसिटी है ना वो इस ग्राफ का स्लोप हो गया, यानी इस ग्राफ का स्लोप कभी निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा आपको। इस वाले ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे ना तो आपको मास मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक। लेकिन अगर आप यही ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो, मान लो आप मास और वेलोसिटी का प्लॉट करना चाहते हो, ठीक है, इसकी बजाय मैं वेलोसिटी वर्सेस मास का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहता हूं तो लेट अस सपोज ऐसे में भाई पी बराबर एमवी है, तो इस बार मोमेंटम को आप कांस्टेंट मान लो। अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो अपने को पता चल जाएगा भैया mv कांस्टेंट है। mv कांस्टेंट होने का मतलब अगर मास को बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी को घटना पड़ेगा, राइट। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा बेटा। इस तरीके के ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है, ठीक है ना। मोमेंटम यहां पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब p कांस्टेंट है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भैया mv कांस्टेंट है, है ना, mv कांस्टेंट है, या फिर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसा भी कहा जा सकता है। और इस तरह के ग्राफ को मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। मैं लिख रहा हूं, इस तरह का जो ग्राफ है वो किसका होता है, दैट इज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भाई साहब ग्राफ होता है, ठीक। ये मोमेंटम के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है, राइट। मोमेंटम क्या है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होता है। यूनिट्स की मैंने बात कर दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड, और मैंने इस पर बेस्ड जो तीन ग्राफ्स बन सकते हैं उन ग्राफ का भी मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। अब आ जाओ जरा, इस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, थोड़ा फील आएगा आपको। A ball moving with a momentum of 5 kg meter per second strikes against a wall at an angle of 45 degree and is reflected at the same angle. Calculate the change in momentum. तो भैया ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है ना, और ये बॉल आ रही है, टकराएगी और कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ठीक। बॉल आई है भैया 45 डिग्री के एंगल पर, 45 के एंगल पर आई है। रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा तो नॉर्मल वगैरह पता होना चाहिए, तो ये मैंने नॉर्मल बना दिया है, ठीक है। ये समझ लो बॉल इस डायरेक्शन से आई है, इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्शन हो गया, इधर की तरफ बॉल चली गई है, और ये 45 एंगल है तो बेटा ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा, ये वाला भी 45 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 45 डिग्री का ही एंगल होगा, राइट। ये इनिशियल मोमेंटम है इसका, दैट इज इनिशियल, जो कि 5 यूनिट के बराबर है ना। रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल है। चेंज इन मोमेंटम पूछ रहे हैं, फाइनल मोमेंटम की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो भी 5 यूनिट के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट के मोमेंटम से आया है, 5 यूनिट के ही मोमेंटम से चला जाएगा। राइट, बॉल मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ वॉल एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल। 45 डिग्री के ही एंगल पर रिफ्लेक्शन हुआ है। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, जितने इनिशियल मोमेंटम से आया था उतने ही मोमेंटम से चला गया है, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई डेटा हमें और कोई कंसेप्ट कोई और डेटा की बात यहां पर नहीं किया गया। सिंपल बॉल आई है, टकराकर वापस जा रही है। ठीक है, तो जितने मोमेंटम से आई थी उतने ही मोमेंटम से बॉल वापस जा रही है। अब आ जाओ चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था और वेक्टर में एक बात मैंने आपसे बताया था कि भाई साहब अगर ये इंक्लाइंड है और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, 45 एंगल दिख रहा है, तो हम लोग इसके क्या कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट्स कर सकते हैं। आ जाओ सबसे पहले इसका हम लोग करते हैं धड़ाधड़ कॉम्पोनेंट। देखो कॉम्पोनेंट करते हैं। अब ये इधर की तरफ है, 45 एंगल है, तो बेटा एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ होगा, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, वैल्यू लिखते हैं। ये कंपोनेंट की वैल्यू है 5 cos 45 डिग्री, ये वाले एंगल के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, ये 5 है, ये 45 है, तो इधर की तरफ होगा 5 cos 45 और इधर की तरफ होगा 5 sin 45 डिग्री। राइट, और ये मोमेंटम इधर की तरफ है और इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो आप देखिएगा इसका जो कंपोनेंट है भैया ये है, 45 एंगल है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और इसका अगला कंपोनेंट जो है वो नीचे की तरफ रहा होगा। उसकी भी मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो 5 cos 45 डिग्री और ये है 5 sin 45 डिग्री, इस तरीके से। राइट, सो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर देखा जाए तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, है ना, पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन माइनस पी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन। तो आप देखो एक्स डायरेक्शन में बेटा फाइनल मोमेंटम कितना था भैया, 5 cos 45, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव होगा, माइनस का 5 cos 45 डिग्री माइनस इनिशियल जो है वो राइट साइड में है इसलिए वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो माइनस का 5 sin 45। बहुत ध्यान से देखना, ये फाइनल मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम है। मेरे प्यारे बच्चों, cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो माइनस का 5 upon √2 माइनस का 5 upon √2, तो बनेगा माइनस का 10 upon √2। ठीक है, रेशनलाइज कर लो, √2 का मल्टीप्लाई करो, √2 का डिवाइड करो, देखो ये 2 बन जाएगा, 10/2 5 बन जाएगा, तो माइनस का 5 under root 2, ये वैल्यू मिल जाएगी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, अगर y डायरेक्शन की मैं बात करूं तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन। भाई साहब फाइनल मोमेंटम y डायरेक्शन में जो है वो डाउनवर्ड्स है, यानी कि माइनस का 5 sin 45 डिग्री माइनस इनिशियल जो है वो भी डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है, सो दैट इज अगेन माइनस 5 cos 45 डिग्री। ये देखिए फाइनल भी नीचे की तरफ है, इनिशियल भी नीचे की तरफ था, तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। ठीक है, sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू बेटा सेम होती है, तो ये पूरा का पूरा टर्म इसके साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस 5 upon √2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 upon √2, यानी ये वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 0 के बराबर आ गई। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि अगर आपसे ये कहा जाए कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम, तो आपको बताना चाहिए सर जो चेंज इन मोमेंटम है वो पहली बात एक्स डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू है माइनस 5 under root 2 यूनिट्स के बराबर। मतलब इसका मैं अगर पूरा पूरा आंसर लिखूं, मान लो मैं पूरा आंसर इधर लिख रहा हूं, तो चेंज इन मोमेंटम मेरे को लिखना चाहिए -5√2 आई कैप। आई कैप क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, और यूनिट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो भैया, यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इनफैक्ट यूनिट हमें लिख ही देना चाहिए हमेशा, ये हमारा पूरा पूरा आंसर बेटा होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। या वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख देना अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू दिस। कुछ इस तरीके से आप आंसर देंगे, राइट। फिर आ जाओ न्यूटन साहब के सेकंड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपने ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा ही आएगा, ठीक। सो वी कैन राइट हियर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp/dt, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। पढ़िए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट इज इन दैट डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में बेटा हमने फोर्स लगा रखा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में भी चेंज हो रहा होता है। सो dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp/dt। यही न्यूटन साहब का सेकंड लॉ होता है। चाहे ऐसे लिखो, चाहे जो नीचे लिखा है वैसे लिखो। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो k टाइम्स dp/dt के बराबर होता है, ठीक। बट इन SI यूनिट्स k की वैल्यू बेटा 1 यूनिट होती है, इसलिए हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो है वो dp/dt के बराबर हो जाता है। यानी एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर हो जाता है। बट एज वी नो मोमेंटम इज इक्वल टू mv इफ मास इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट माना जाए, है ना, अगर हम कंसीडर कर ले भैया कि मास जो है वो हमारा कांस्टेंट है, दिस इज द कंडीशन। इफ मास इज कांस्टेंट देन वी कैन राइट एज एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, देखो d/dt ऑफ मोमेंटम था, मोमेंटम की जगह मैं mv लिख रहा हूं, और क्योंकि मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, अंदर बचेगा dv/dt। और dv/dt का मतलब क्या है भैया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही बेटा एक्सेलरेशन होता है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमारी m×a के बराबर आ जाती है। लेकिन कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि F बराबर ma, यही न्यूटन साहब का सेकंड लॉ है। नहीं, दिस इज नॉट लॉ। लॉ ये है, ये उस लॉ का एक रिजल्ट है जो इस सिचुएशन में फॉलो होता है। अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तभी हम एक्सटर्नल फोर्स को ma के बराबर कहेंगे, ठीक है। तो F बराबर ma तभी वैलिड है जब मास कांस्टेंट है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो F जो है वो ma के बराबर भी नहीं है। इफ मास इज नॉट कांस्टेंट देन F इज नॉट इक्वल टू ma, राइट है। बहुत ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग समझ लो, देख लो, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो F बराबर ma भी नहीं है। तो ये लॉ है, और ये उस लॉ से निकाला हुआ एक स्पेसिफिक केस है, एक रिजल्ट है F इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये न्यूटन साहब का सेकंड लॉ है। क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकेंड लॉ पर बेस्ड बेटा क्वेश्चन देखो। कह रहे हैं बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स 6i cap - 8j cap न्यूटन एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मास ऑफ द बॉडी इज, सो एज वी नो F इज इक्वल टू ma, है ना। फोर्स की जो वैल्यू है वो 6i cap - 8j cap है, वेक्टर फॉर्म में है ना। दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो स्केलर फॉर्म में गिवन है। एक्सेलरेशन का देखो कोई डायरेक्शन नहीं पता है अपने को, है ना। सिंपली एक्सेलरेशन बोला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब मेरे को फोर्स का भी क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद करो, निकालना सिखा चुका हूं। अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब ये सही है भैया, अंडर रूट के अंदर 36 प्लस 64, दैट इज इक्वल टू 5m। तो मेरे प्यारे बच्चों ये अंडर रूट 100 बनेगा जो कि 10 होता है, 10 इज इक्वल टू 5m। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा 10/5 विच इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम राइट, 2 kg। 2 kg वाला आंसर हमारा कौन सा है? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, है ना। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल चकाचक राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस। एक्स यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है वो कुछ इस तरीके का है, pt + qt² + rt³। कह रहे p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 5 है। भैया रख देते हैं ना, 3t + 4t² + 5t³। The force acting on the object at t is equal to 2 Ns। देखो फोर्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें m into a करना पड़ेगा। मास 2 kg है बेटा, अगर एक्सेलरेशन मिल जाएगा फोर्स आ जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, dx/dt निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज dx/dt, है ना। डिफरेंशिएट करो, 3 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 8t + 15t²। ध्यान से देखो, है ना। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे बेटा, dv/dt लिखोगे तो यही बन जाएगा क्या? एक्सेलरेशन। 3 का डिफरेंशिएशन 0, 8t का 8 हो जाएगा और ये बन जाएगा 30t के बराबर, राइट है। यानी कि एट t = 2 सेकेंड, क्योंकि t = 2 सेकेंड पर आपसे फोर्स पूछ रहा है, तो t = 2 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? दैट इज 8 + 30 × 2। तो बन जाएगा 60 + 8 यानी कि 68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 68। तो भैया 2 में मैं 68 का करने वाला हूं क्या? मल्टीप्लाई। तो बनेगा 16 और 12 और 1 13, है ना, 136 न्यूटन के बराबर। 136 न्यूटन जैसा ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए वाला। इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल चकाचक सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है बेटा, कुछ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, आइए आपको बताता हूं कंसेप्ट क्या है। कह रहे हैं फर्स्ट लॉ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेकंड लॉ। सही बात है, फर्स्ट लॉ को हम सेकंड लॉ से ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो फर्स्ट लॉ है फोर्स लगने के पहले का। अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा जाता रहेगा, राइट। फिर कह रहे हैं कि इसी लॉ से, सेकंड लॉ से ही हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर सकते हैं। सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है बेटा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ही dp/dt है। अगर f 0 है तो dp/dt 0, और डिफरेंशिएशन 0 होता है कांस्टेंट का, है ना। डिफरेंशिएशन 0 किसका होता है? कांस्टेंट का। यानी कि मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब एक ये भी है कि उस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम है वो उस ऑब्जेक्ट के फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी। ये जो लॉ है, अगर मैं F = ma की बात कर रहा हूं, है ना, यहां पर जो लॉ कहा जा रहा है वो किसको कहा जा रहा है? F = ma को। हालांकि F = ma खुद एक क्या है? रिजल्ट है, है ना, एक रिजल्ट है। बट अगर आप F = ma को एक लॉ मान रहे हो तो इस लॉ के हिसाब से मास हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। जेईई मेंस एडवांस लेवल पर ऐसे कई क्वेश्चंस बने हैं जहां पर मास चेंज हो रहा है। जो जेई वाले बच्चे हैं उन लोगों ने शायद इस तरह के क्वेश्चंस कर रखे होंगे जिसमें एक चेन है, वो चेन का एक एक पार्ट टेबल पे गिर रहा है तो धीरे धीरे उसका मास जो है चेंज हो रहा है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इरोडो वगैरह जैसी बुक में, एचसी वर्मा सर की बुक में भी गिवन है, तो उस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे जहां मास चेंज हो रहा है, या रॉकेट का जो प्रपल्शन होता है उसमें भी मास चेंज हो रहा होता है। ठीक, बाकी अगर मैं नॉन न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करूं जहां पर ऑब्जेक्ट बहुत ही फास्ट चलता है, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरेबल हो जाए, देखो लाइट की स्पीड के बराबर तो हम लोग आज तक किसी को चला नहीं पाए, लेकिन अगर उसके आसपास स्पीड पर भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके बराबर नहीं उसके कंपैरेबल, मतलब उससे 10 20 गुना 50 गुना कम स्पीड पर भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्पीड बेटा बढ़ने लगती है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट है, राइट, उसका मास बढ़ने लगता है। व्हाइल कैचिंग अ बॉल द क्रिकेटर मूव्स हैंड बैकवर्ड्स, कह रहे हैं कि जब कोई क्रिकेटर जो है वो फील्डिंग जो कर रहा है भैया, वो बॉल जब कैच करता है तो हाथ पीछे लाता है, ऐसा क्यों? सुनो, बॉल मोशन में थी पहले, भाई किसी बैटमैन ने मारा होगा, बॉल आ रही है उड़ते हुए, बॉल के पास अपनी एक स्पीड है, तो बेटा बॉल का कुछ ना कुछ इनिशियल मोमेंटम रहा होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक, जैसे ही आपने कैच किया आपके हाथ में बॉल आ गई, बॉल को रुकना पड़ेगा, हाथ में आने का मतलब फाइनल मोमेंटम जीरो। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बेटा अगर मैं निकालूंगा बॉल का चेंज इन मोमेंटम, सो दैट मस्ट बी फाइनल माइनस इनिशियल, तो बॉल का फाइनल मोमेंटम जीरो है, इनिशियल मोमेंटम की कोई ना कोई वैल्यू है, तो देयर इज अ सर्टेन चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉल, और ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये कांस्टेंट है। बोलो, ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो कैसा है? कांस्टेंट है। अगर डेल्टा पी कांस्टेंट है मतलब डीपी कांस्टेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज यहां पर आप सोचो, F बराबर क्या होता है? dp बाई dt, है ना? और अगर ये dp कांस्टेंट हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल, है ना? जब आप कैच करते हुए हाथ को पीछे की तरफ लाओगे तो आप टाइम इंटरवल को जबरदस्ती बढ़ा रहे हो, टाइम इंटरवल को बढ़ाओगे तो फोर्स घट जाएगा, यानी आपके हाथ पर जो जर्क लगेगा, जो चोट लगेगी, जो झटका लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स घट जाएगा। फोर्स घट जाएगा भैया, चोट कम लगेगी, इसीलिए यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ स्प्रिंग्स एंड शॉकर्स इन मोटर कार्स, कार्स में इसी तरीके के शॉकर्स होते हैं कि जब कभी अचानक से कहीं झटका लगेगा, गड्ढा आ जाएगा, तो ये शॉकर्स क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कार ऊपर नीचे करेगी, इतने में टाइम लगेगा, जब टाइम लगेगा भैया फोर्स कम आएगा, है ना, कम फील होगा, कम झटका लगेगा, तो तुम्हारे कार की लाइफ बढ़ जाएगी। राइट है क्या? राइट है क्या? समझ आ रहा है क्या? ध्यान से सुनना भाई हर एक बात। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहे हैं कैसे हम समझ सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही केवल, या बोथ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ? तो करेक्ट आंसर है बेटा न्यूटन साहब के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, दोनों से कंजर्वेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो, अभी हम लोग ने जो कंजर्वेशन को एक्सप्लेन किया यहां पर, ये हम लोग ने न्यूटन बाबा के सेकंड लॉ से किया है। न्यूटन के थर्ड लॉ से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि जब ड्यूरिंग कोलिजन बात किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट जब इस ऑब्जेक्ट से कोलाइड हो रहा है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उससे भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करते हैं। इवन क्लास 9th की अपनी बुक ओपन करके देख लो, क्लास 9th की अपनी बुक ओपन करके देख लो, वहां पर न्यूटन के थर्ड लॉ से ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन किया है ना? सो न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन के थर्ड लॉ से, दोनों से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कह रहे हैं शेल ऑफ मास 0.02 किलोग्राम इज फायर्ड बाई अ गन ऑफ मास 100 किलोग्राम। तो भैया एक बढ़िया सा कालीन भैया वाला कट्टा बनाते हैं, हाँ, तो ये कालीन भैया वाला कट्टा है, इसमें ये गोली है ना, शेल है। इस शेल का मास कह रहे हैं 0.02 kg के बराबर है। गन का जो मास है वो 100 किलो का गन है। अरे दादा, हाँ, 100 किलो का गन है। इफ द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब फायर कर दिया होगा, गन तो भैया अपनी जगह है, ये बुलेट आगे बढ़ गई है और उसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं रिकॉइल स्पीड ऑफ गन बता दो। क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन है। जब बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे की तरफ बेटा रिकॉइल करती है। और मैं आपको बताऊं ये बिफोर फायरिंग कंडीशन है ना, फायर करने के पहले, और ये आफ्टर फायरिंग की कंडीशन है, फायर करने के बाद की बात है ना जी। ये फायरिंग करने के पहले की बात है, ये फायरिंग के बाद की बात है। फायरिंग के पहले का अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूं, इनिशियल मोमेंटम लिखूं भैया, ना गन मोशन में ना बुलेट मोशन में है, तो इनिशियली मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? 0। बट फायरिंग करने के बाद देखो गन पीछे जा रही है, गन का मास मैं कैपिटल एम लिख दूं, इसका स्मॉल एम लिख रहा हूं, बाकी फिर वैल्यू रख देंगे। तो ये देखो -mv के बराबर है, -mv के बराबर है। ये राइट साइड में बुलेट जा रही है तो ये स्मॉल m स्मॉल v के बराबर है, राइट। और क्योंकि यहां पर जो नेट फोर्स है वो 0 है, क्योंकि गन बुलेट पर फोर्स लगाती है तो बुलेट गन के ऊपर फोर्स लगाता है। और इस गन और बुलेट को एक सिस्टम अगर हम माने, इस पूरे को कंसीडर करें, तो कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, जो हुआ वो अंदर अंदर हुआ, उसने इन पे लगाया, इन्होंने उन पे लगाया, ये खेल अंदर का है, यानी एक्सटर्नल फोर्स बेटा कितना है? 0 है, ठीक है ना। एज वी नो एफ एक्सटर्नल इज 0, एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि 0 है तो भैया इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम है -mv प्लस स्मॉल m स्मॉल v, ये 0 है, माइनस कैपिटल M की जो वैल्यू है वो 100 kg है ना। रिकॉइल वेलोसिटी अपने को निकालना है। बुलेट का मास 0.02 के बराबर है और बुलेट की स्पीड 80 के बराबर है, 80 के बराबर है। तो ये बेटा बनेगा 100v इज इक्वल टू, देखो ये बनेगा कितना? 160 है ना, और 1.6 बनेगा। तो v की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 100, 0.0016 मीटर पर सेकंड, है ना। कुछ इतनी स्पीड निकल कर आ जाएगी। कैलकुलेशन चेक कर लेना भैया, हाँ कैलकुलेशन चेक कर लेना। ना 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 80, 1.6 बाई 100, सही है, 1.6 बाई 100 0.0, अरे देख लो 0.016 है यार, भाई मुझे लगा कुछ कहीं है लोचा, 0.016 मीटर पर सेकंड के बराबर, राइट। कंसेप्ट यही है यार, बाकी सॉल्व तुम्हें अपने हिसाब से करना है, आप सॉल्व कर सकते हो, 11th के बच्चे हो, है ना, मेरे से ज्यादा कैलकुलेशन आपको आता होगा है ना। तो आप धड़ाधड़, ये कंसेप्ट है, बिफोर फायरिंग मोमेंटम देखो, आफ्टर फायरिंग मोमेंटम देखो, मोमेंटम का कंजर्वेशन कर दो और क्वेश्चन आपका बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला कंसेप्ट है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब यह होता है जब कोई बहुत बड़ा सा फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगता है तो उसके इफेक्ट को कैलकुलेट करने का एक तरीका है ये इम्पल्स, राइट। व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स? सबसे पहले इम्पल्सिव फोर्स की बात करते हैं। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब क्या है? अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। बड़ा सा फोर्स छोटे से समय के लिए अप्लाई हो रहा है ताकि एक सर्टेन चेंज इन मोमेंटम क्रिएट हो जाए, इसी को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं हम लोग। जैसे फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट व्हाइल हिटिंग अ बॉल, बॉल आया, बैट से हमने स्ट्राइक किया है, तो बॉल और बैट कांटेक्ट में बहुत कम टाइम के लिए है, लेकिन एक बड़ा सा फोर्स वहां पर अप्लाई होता है। ब्लो ऑफ अ हैमर ऑन अ नेल, एक हथौड़ा हमने मार दिया कील के ऊपर, बहुत कम समय के लिए हथौड़ा कील के साथ कांटेक्ट में है लेकिन बड़ा सा फोर्स वहां पर अप्लाई हो रहा था। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन द मार्बल फ्लोर, जब कोई पर्सन किसी फ्लोर पे गिर जाता है ऊपर से नीचे, तो भी वहां पर इंपल्सिव फोर्स ही जनरेट होता है। अब बताइए सर ये इंपल्स क्या चीज है? इंपल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स which acts for a short duration of time to produce a finite change in momentum। एक फिक्स चेंज इन मोमेंटम लाने के लिए बड़ा सा फोर्स जब छोटे से समय में अप्लाई होता है, ठीक है, तो जो इफेक्ट वो क्रिएट कर रहा है उसी इफेक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को मैथमेटिकली बेटा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन। देखो इम्पल्स अगर मैं बताऊं फोर्स तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है डीपी बाई डी टी के बराबर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एफ डी टी जो है वो डीपी के बराबर होता है, और बेटा यही इंपल्स भी कहलाता है, यही इंपल्स है। फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट है वो इंपल्स कहलाता है। सो व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स, है ना। इंपल्स जो है वो फोर्स और टाइम ड्यूरेशन का प्रोडक्ट है। इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है, क्योंकि एफ डी टी डीपी के बराबर है जो कि इंपल्स के बराबर है, यानी इंपल्स ही फोर्स इंटू टाइम इंटरवल है, इंपल्स ही टोटल चेंज इन मोमेंटम भी होता है। कभी भी आपको इंपल्स कैलकुलेट करने को बोले तो आप चेंज इन मोमेंटम भी कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हो, या फिर फोर्स और टाइम देगा तो मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हो, ठीक है। इंपल्स कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है? जो फोर्स का डायरेक्शन है, या जो टोटल चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है वही हमारा इंपल्स का भी डायरेक्शन होता है। सो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स और चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स ऑफ अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंपल्स पॉजिटिव भी हो सकता है अगर मोमेंटम बढ़ रहा है, इंपल्स नेगेटिव हो सकता है अगर मोमेंटम घट रहा है, इंपल्स जीरो हो सकता है अगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो। सो इंपल्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और remains unchanged। अगर मोमेंटम बढ़ रहा है इंपल्स पॉजिटिव है, मोमेंटम इंक्रीजिंग है तो वो इंपल्स कैसा है भैया? पॉजिटिव है। मोमेंटम डिक्रीजिंग है तो इंपल्स बेटा नेगेटिव मानेंगे। मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब इंपल्स कितना हुआ? जीरो। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, राइट। अब आ जाओ न्यूटन साहब के थर्ड लॉ पर। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, एक्शन है तो रिएक्शन जरूर मिलेगा, एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्शन, राइट। यही है न्यूटन साहब का हमारा थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, है ना। एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करने जा रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन भैया ये इस पे फोर्स लगाएगा, वो इस पे फोर्स लगाएगा, और दोनों का जो फोर्स है जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगता है, बट एक्ट साइमल्टेनियसली, लगता तुरंत है, सेम टाइम पर अप्लाई होता है। एक्शन रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर होगा बट सेम टाइम पर होगा, सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है बट इट इज एक्टिंग साइमल्टेनियसली। दिस लॉ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ को भी हम सेकेंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं, राइट एग्जाम्पल देखो, ऑन फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम द गन अ जर्क एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी जर्क को आप क्या नाम देते हो भैया? इसी को आप रिकॉइल बोलते हो, है ना, इसी को रिकॉइलिंग ऑफ गन बोलते हो। अगला, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट और मोशन ऑफ जेट एरोप्लेन। कोई भी जो जेट एरोप्लेन होता है या कोई रॉकेट होता है उसमें ढेर सारी गैसेस हैं जो बर्न हो रही हैं, गैसेस नीचे की तरफ जाती है तो वो एक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में उसको मिलता है रिएक्शन, ठीक है। तो ये उसका एक एप्लीकेशन हो गया। पुलिंग ऑफ अ हॉर्स कार्ट, हॉर्स जो है वो घोड़ा गाड़ी खींचता है, यहां पर भी एक्शन रिएक्शन का ही खेल है। मूविंग ऑफ अ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू जंपिंग ऑफ अ मैन फ्रॉम द बोट। कोई भी मैन जब बोट से उतरता है तो बोट पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि उतरने के लिए वो उसी तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैन आगे जाता है बोट पीछे जाती है। यहां पर भी कंजर्वेशन मोमेंटम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ से भी इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहे हैं बॉडी विद मास 5 kg, बॉडी का मास 5 kg है, इज एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स, बॉडी पर भैया एक फोर्स लग रहा है -3i + 4j कैप। इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी है t बराबर 0 इज दिस, इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी 6i cap - 12j cap के बराबर है, द टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। कह रहे वो समय बताइए जब इसके पास सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वो समय बताइए, वो टाइम कैलकुलेट करिए जब केवल y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, मतलब x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। x डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी नहीं होगी यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा बेटा, 0। ये इनडायरेक्टली मतलब निकल रहा है। प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तुमसे स्कूल में भी पूछ सकते हैं, जेईई मेंस जैसे एग्जाम में भी आ जाते हैं, नीट में आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हल्का सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा कंसेप्ट है। क्या है पहला कंसेप्ट तो यहीं पर आया, अगर y डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है तो मतलब x की वेलोसिटी 0 है। तो आओ पहले करते हैं भैया, मास गिवन है, फोर्स गिवन है, तो पहले ही दिमाग में आना चाहिए कि यहां से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। सही है भाई, फोर्स कितना है -3i + 4j, है ना, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे बेटा। दूसरी बात, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैं एक्सेलरेशन का मान लो मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं भैया, मैं लिख सकता हूं भैया फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई मास 5 है, 5/5 बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन अपने को पता है, इनिशियल स्पीड पता है ना, हमको बताना है एट टाइम टी, एट टाइम टी। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, किसी टी टाइम पर बात हो रही है, इनिशियल स्पीड भी पता है, तो क्या फाइनल स्पीड बेटा v = u + at होगी, बताओ क्या फाइनल जो है वो v = u + at हो जाएगी, है ना। तो फाइनल जरा देखो, इनिशियल कितनी है, 6i - 12j, ये इनिशियल स्पीड है, इनफैक्ट इनिशियल वेलोसिटी है। अगर वेक्टर फॉर्म में रख रहे हो भैया, देखो वेक्टर के फॉर्म में अगर रख रहे हो तो सारी चीजें वेक्टर चाहिए, स्केलर के फॉर्म में रख रहे हो तो फिर सारी चीजें स्केलर चाहिए, राइट। अब हमको क्योंकि वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट चाहिए तो हमें वेक्टर फॉर्म में आना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में आने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बेटा एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, ये तो स्केलर फॉर्म है, है ना। वेक्टर फॉर्म में अगर चाहिए तो फोर्स अपॉन मास करना पड़ेगा। फोर्स आपके सामने है जो मैंने पहले लिखा था, -3i + 4j डिवाइडेड बाई मास कितना है 5 यूनिट, यानी 5 kg के बराबर ये एक्सेलरेशन है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम, राइट। जरा एक चीज चेक करो, एक्स डायरेक्शन वाले कॉम्पोनेंट देखो, 6 है, -3/5 है, और ये टी भी इसके साथ है, इतने i cap -12 माइनस, जब कॉमन करोगे ना 12, यहां पे तो देखो 4/5 है, बट माइनस कॉमन किया तो अंदर भी माइनस आएगा, -4/5t टाइम्स j cap। ये बेटा है वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी में आई कैप का भी टर्म है, जे कैप का भी टर्म है, यानी एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यही है। और यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ के क्या समझा था, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है, 0 है, यानी कि ये 6 - 3/5t वाला ये टर्म क्या होगा, 0 होगा। अगर ये टर्म 0 है तो 3/5t = 6 हो जाएगा, ये कटेगा 2 आएगा, टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड आ जाएगी। टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, 10 सेकंड आ जाएगी, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, राइट। क्या कंसेप्ट मैंने लगाया, अगर केवल y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, केवल ये है, तो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 रही होगी। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में सोच पाया, v बराबर यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, एक्सेलेरेशन हमने निकाल लिया फोर्स अपॉन मास करके, ठीक। इस फॉर्म का कोई जरूरत नहीं है, फिर आप f बाई एम करिए जो मैंने पहले किया था, वेक्टर फॉर्म में ले आओ, ठीक है। टाइम रख दिया हमने कोई टी टाइम पर, एक्स कॉम्पोनेंट निकाला, वाई कॉम्पोनेंट निकाल लिया बेटा, एक्स कॉम्पोनेंट जीरो है, बस फटाफट जीरो के बराबर कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाओ अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का मतलब क्या है? दिस इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। मूवमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, ये फोर्स का क्या है? टर्निंग इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट है। अगर ये कोई एक, मान लो कोई एक बॉडी है, इस बॉडी को इस पॉइंट पर एक कील डालकर दीवार में ठोक दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, और इसके ऊपर बेटा इधर की तरफ मान लो मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स क्या करेगा? बताओ, सोचो क्या करेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो आर के बराबर है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मैंने दीवार में इसको ठोक दिया है, ये पॉइंट कहलाता है, दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। अगर दीवार पे फिक्स कर दिया है, पूरी की पूरी बॉडी बेटा नीचे तो अब जा नहीं सकती है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या करेगी? दिस विल ट्राई टू रोटेट। पूरा घूमेगी या नहीं घूमेगी हमें नहीं पता, लेकिन घूमने की कोशिश करेगी ये हमें पता है। दिस विल ट्राई टू रोटेट, ठीक है भाई, खोल के रखना, है ना, घूमने की कोशिश करेगी। तो यहां पर एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है, उसी टर्निंग इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क भी कहा जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल टाउ। ये टाउ है, विच इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी बॉडी दो तरीके से घूम सकती है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूमती है तो मैं टॉर्क को पॉजिटिव मानता हूं, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो मैं टॉर्क को निगेटिव मानता हूं, राइट। क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, अलग अलग किताबों में हो सकता है उल्टा गिवन हो, बट कोई एक मान के चलना, चाहे मेरा वाला, चाहे किताब वाला, या किसी टीचर वाला, राइट, कोई एक मान के चलना, आंसर सेम आएगा, कभी अलग नहीं आएगा, परेशान मत होना। इसको मैं क्लॉकवाइज टॉर्क मानता हूं भाई, क्लॉकवाइज टॉर्क को मैंने पॉजिटिव मान लिया है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैंने नेगेटिव मान लिया है, राइट। देखो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है, बॉडी अगर ऐसे घूमती है ना तो टॉर्क अंदर की तरफ होता है, बॉडी अगर ऐसे घूमती है तो टॉर्क अंदर की तरफ होता है। टॉर्क कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है नो डाउट, बट कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। पिछले चैप्टर में याद करो पढ़ाया था आपको, एक्सियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जो कि रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लगते हैं, उसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो बॉडी जब क्लॉकवाइज घूमती है ना तो टॉर्क अंदर की तरफ होता है, इसी कारण से कई बार किताबों में उसको निगेटिव मानते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, टॉर्क बाहर की तरफ है, इसलिए बुक्स में कई बार उसको पॉजिटिव मानते हैं। बाकी मैं क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए निगेटिव मान ले रहा हूं, ये मान करके हम लोग सॉल्व कर देते हैं, राइट। आंसर सेम आएगा, कहीं गलत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो जरा, मान लो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है और ये फोर्स है। टॉर्क कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। मुद्दा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, राइट, ये फोर्स है और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। मुद्दा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। ये फोर्स है, ये पॉइंट है, कैसा घुमाएगा ये फोर्स, क्लॉकवाइज घुमाएगा। पॉइंट ऑफ रोटेशन ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए तुम्हें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा और इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस चीज को बड़े अच्छे से बेटा समझ लो। ऐसे यहां पर इस तरह का फोर्स हो, ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, ठीक है। इस तरह का फोर्स है, ये पॉइंट है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस तरह का फोर्स है, ये पॉइंट है, तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये बात ध्यान रखना, बड़ी आसान सी चीज़ है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में जब यही चीज़ आता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात डिटेल में थोड़ा बताया। ठीक है, इसी में एक चीज आपको और समझाता हूं। ये मान लो वो बॉडी है, ये बॉडी है, इस पॉइंट पर मैंने इसको फिक्स कर दिया है, ये हमारा फोर्स है, ठीक है। डिस्टेंस कितना था, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये फोर्स है, राइट। डिस्टेंस आर के बराबर है। टॉर्क की वैल्यू कितनी है, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर। अगर फोर्स को यहां से हटाकर बेटा यहां पहुंचा दे, यहां गायब कर दे, नाम एफ डैश हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, आर डैश हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं टॉर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे सर टाउ डैश होगा, विच इज एफ डैश इंटू आर डैश। अगर मैं फोर्स को यहां से भी गायब करके बेटा यहां पहुंचा दूं, नाम रखूं एफ डबल डैश, डिस्टेंस बोलूं आर डबल डैश, तो अब टॉर्क का नाम हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी एफ डबल डैश इंटू आर डबल डैश। समझ आ रहा है, आ ही रहा होगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं 100% समझ में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर इस फोर्स को सीधे सीधे इसी पॉइंट पर लगा दे, अब टॉर्क कितना होगा बताओ, अब टॉर्क कितना होगा बताओ। सो इफ force is acting at point of rotation, if force is acting at, if force is applied at point of rotation, then torque due to torque due to that force will be equal to 0। अगर कोई फोर्स इसी पॉइंट पर लग जाए, या ऐसा कोई फोर्स हो जो इस पॉइंट पर आ रहा है, ऐसा कोई फोर्स हो, इस पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास हो रहा है, तो वो पॉइंट वहां पर, वो फोर्स वहां पर टॉर्क क्रिएट नहीं कर पाएगा। टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है ना। तो टॉर्क क्या है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में बेटा अगर मैं बताऊं तुम्हें, इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं आपको वेक्टर के फॉर्म में बेटा बताऊं, तो वेक्टर फॉर्म में टाउ वेक्टर जो होता है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होता है। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था पिछले लेक्चर में, है ना, डिटरमिनेंट वाला मेथड याद करो। सो वेक्टर के फॉर्म में आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, और आपको बताया था इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर। ए क्रॉस बी जो होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। सो टॉर्क वेक्टर जो है वो आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, राइट। सर ये आर वेक्टर क्या है भैया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट पर बेटा फोर्स लगा है, ये इस पॉइंट पर फोर्स लगा है, तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ये, दिस इज आर वेक्टर, है ना, दिस इज आर वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस एफ करोगे, किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, इनवर्ड्स, राइट। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, इनवर्ड्स, क्लियर है। इस तरीके से बेटा क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। और टॉर्क मैं यहां लिखना चाहूंगा, टाउ वेक्टर जो है दैट विल बी इनवर्ड्स। टॉर्क किधर की तरफ है बेटा, अंदर की तरफ है, इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ, इन दिस प्लेन, है ना, यही है टॉर्क भाई। टॉर्क का अगर मैं यूनिट लिखूं दैट विल बी न्यूटन मीटर या फिर डाइन सेंटीमीटर। अगर एसआई यूनिट लिख रहे हो तो न्यूटन मीटर, और अगर सीजीएस यूनिट लिख रहे हो तो डाइन सेंटीमीटर, ये इसके यूनिट्स होते हैं, राइट। अगला है कपल। देखो टॉर्क के केस में एक फोर्स टॉर्क लगा सकता है, दो भी लगा सकते हैं, तीन चार पांच लगा सकते हैं, कोई क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वो टॉर्क है। बट कपल के केस में हमेशा कितने होते हैं फोर्सेस, ऑलवेज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, है ना। कपल के केस में हमेशा कितने फोर्सेस होंगे, पहली बात ऑलवेज टू फोर्सेस फॉर्म कपल, दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, equal and opposite, right, and they always rotate body in same direction, rotate body in same sense। जैसे सर इसका क्या मतलब है, सर इसका मतलब ये है, ये कोई बॉडी है, एक फोर्स तुमने लगाया बेटा इधर की तरफ, एक फोर्स आपने लगाया इधर की तरफ, ये कोई एक पॉइंट है मान लो, ठीक है, एक फोर्स ऊपर लगाया, एक फोर्स नीचे लगाया है, तो कपल के केस में नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट कितना होगा, हमेशा जीरो। कपल के केस में नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, क्योंकि ऑलवेज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, राइट, एक ऊपर एक नीचे, नेट फोर्स जीरो है। लेकिन ये दोनों फोर्सेस मिल करके इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश ये दोनों फोर्सेस कर रहे होंगे, इनको कपल कहा जाता है। और अगर दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस में आर लिख दूं तो कपल को भी टाउ से ही डिनोट करते हैं, इसका भी फॉर्मूला एफ इंटू आर होता है या आर इंटू एफ होता है, राइट, फॉर्मूला सेम है, बट यहां पर आर का मतलब क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आर, राइट, जबकि यहां पर जो था आर, ये क्या था, दिस आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो लाइन है ना, पीछे भी बढ़ा दो आगे भी बढ़ा दो, इस लाइन को बेटा कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। This is known as line of action of force, right? तो point of rotation और line of action of force के बीच का perpendicular distance यहां रखना था, और दो forces के बीच का perpendicular distance यहां रखना है। कपल के केस में, दोनों मिलकर एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा कपल के केस में, लेकिन टॉर्क के केस में नेट फोर्स जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये कोई एक रॉड है, इस रॉड का वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा, एक फोर्स मैंने कोई ऊपर लगा दिया 10 न्यूटन का, और मैं इस पॉइंट पर टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये वाला जो वेट है वो नीचे की तरफ क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, और ये जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, दिस इज टॉर्क, दिस इज नॉट कपल। कपल तब होता जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे होते, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। सर ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो इसी स्टेट में बना रहे, रेस्ट में है रेस्ट में बना रहे, मोशन में है मोशन में बना रहे, उसकी स्टेट में किसी भी तरह का चेंज ना है, यही इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के लिए सर कंडीशंस क्या क्या हो सकती है? देयर शुड बी नो ट्रांसलेशनल मोशन, बॉडी में अगर कोई ट्रांसलेशनल मोशन ना हो, है ना, और बॉडी में नो रोटेशनल मोशन, कोई ट्रांसलेशनल मोशन ना हो, कोई रोटेशनल मोशन भी ना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। सर ट्रांसलेशनल मोशन कैसे रोकोगे? सारे फोर्सेस का सम जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में भी फोर्सेस का सम जीरो, वाई डायरेक्शन में भी फोर्सेस का सम जीरो, जेड डायरेक्शन में भी फोर्सेस का सम जीरो। सर ये रोटेशनल मोशन कैसे रोकोगे? समेशन या सिग्मा ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट एवरी पॉइंट शुड बी आल्सो इक्वल टू जीरो। दीज आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर ऑब्जेक्ट पर कोई ट्रांसलेशनल मोशन ना हो, ऑब्जेक्ट में कोई रोटेशनल मोशन भी ना हो, यानी कोई फोर्स ना हो कोई टॉर्क ना हो, या नेट फोर्स भी जीरो हो नेट टॉर्क भी जीरो हो, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम दो तरीके का, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, राइट। ये गदर मूवी से इंस्पायर्ड है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। रेस्ट का मतलब उसकी स्पीड कितनी थी? जीरो। यहां पर स्पीड कितनी है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन यहां कितना है? जीरो। यहां भी एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। यहां फोर्स कितना है? जीरो। यहां भी फोर्स कितना है बेटा? जीरो। तो फोर्स जीरो होने का यह मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, है ना। फोर्स के जीरो होने का दो मतलब हो सकते हैं, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या उसकी वेलोसिटी जीरो है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो भी फोर्स जीरो है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी फोर्स जीरो ही होता है। तो ये बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है और ये हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, राइट है। बहुत ध्यान से सोच लीजिए, क्या इतनी सारी चीजें एकदम चकाचक क्लियर है आपको? अगला जो कॉन्सेप्ट है बेटा हम लोग के पास, वो उस कॉन्सेप्ट का नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फ्री बॉडी डायग्राम जैसा नाम से लगता है किसी बॉडी का डायग्राम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी पॉइंट या बॉडी, ठीक है, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम, सेपरेट बॉडी फ्रॉम सिस्टम। जिस भी बॉडी का, जिस भी पॉइंट का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं, उस पॉइंट या उस बॉडी को पहले उस पूरे सिस्टम से अलग करिए, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को यहां पर शो करिए। और तीसरी कंडीशंस है बेटा अप्लाई, अप्लाई द कंडीशंस ऑफ अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई करिए। सबसे पहला स्टेप है सेपरेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम, बॉडी को पूरे सिस्टम से अलग करिए। शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी बाहरी फोर्सेस लग रहे हैं सबको रिप्रेजेंट करिए। नाउ अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस को भाई साहब अप्लाई कर दीजिए। इक्विलिब्रियम कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूं, एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम, वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम, जेड डायरेक्शन में फोर्सेस का सम, ज्यादा सिलेबस में नहीं है 3D वाले क्वेश्चंस आपके, राइट। तो ये तीन बेसिक कंडीशंस हम लोग कह सकते हैं कि भैया सारे टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, सारा फोर्स भी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में बेटा जीरो होना चाहिए। यही है फ्री बॉडी डायग्राम। सर फ्री बॉडी डायग्राम एक आध सर बना के दिखा दीजिए। देखो बेटा, जैसे ये मान लो एक बॉल है जो कि किसी टेबल पर रखी हुई है, सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कैसे बनेगा? अगर बॉल का एफबीडी हमें बनाना है तो सबसे पहले इस बॉल को पूरे सिस्टम से अलग करो। सिस्टम क्या है? बॉल के साथ जो भी कांटेक्ट में है वो सिस्टम है, तो सीधी सी बात है बॉल को टेबल से अलग करिए। तो बॉल का बेटा वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और बॉल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई हो रहा होगा जो कि टेबल अप्लाई कर रहा होगा। ये दोनों फोर्सेस मैंने यहां पर दिखा दिए हैं। अब आप सिंपली कंडीशन लगा दो कि भैया नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव है, mg नीचे इसलिए नेगेटिव है, दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का नाम है सिग्मा fy बराबर 0, क्योंकि यहां जो भी फोर्सेस हैं बेटा वो y डायरेक्शन में ही है, तो वो हमने यहां पर दिखा दिए, राइट। इसी तरीके से मान लो ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इंक्लाइंड प्लेन जो हमारा है दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट। अब अगर बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे देखो होगा क्या, पहले यहां समझ लो। सबसे पहला यहां पर लग रहा होगा इस ऑब्जेक्ट का वेट, वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट mg भी मैं लिख सकता हूं, और एक नॉर्मल रिएक्शन आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जो कि ये सरफेस इसको दे रहा होगा। तो यहां पर दो ही फोर्सेस हैं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम का एक्चुअलिटी में मतलब ये है कि आप सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को ऐसे अलग करेंगे, आप दिखाएंगे भैया ये रहा वेट और ये लग रहा है भैया इस पे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो एक्चुअलिटी में देखो यही होना चाहिए कि इसको अलग करो और बनाओ, बट हम लोग क्या करते हैं जब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा तो इसी डायग्राम में ही ऐसे फोर्सेस बनाकर दिखा देते हैं, और इसी को फ्री बॉडी डायग्राम मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है। किसी भी क्वेश्चन को, मतलब फिजिक्स में मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बिना इसके आप क्वेश्चन को सॉल्व बेटा नहीं कर पाएंगे। तो आइए जरा आते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस में ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फील आ जाए। तो क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या है भैया, कह रहे टू मासेस ऑफ 5 kg, 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ मासलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। रस्सी मासलेस मानी गई है, अजम्पशन है हमारा, इन एक्सटेंसिबल मतलब रस्सी खींचेगी नहीं स्प्रिंग की तरह, राइट, एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट T1 एंड T2, T1 और T2 बेटा रस्सी का टेंशन। देखो रस्सी कहीं भी होगी, रस्सी खींची हुई होगी, तनाव होगा रस्सी में, तो रस्सी में टेंशन डेवलप हो जाएगा। टेंशन जो है वो रस्सी का अपना फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स है। व्हेन होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अगर ये पूरा सिस्टम 2 मीटर/सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ये भी 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन यही होगा, और भाई साहब इसका भी एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ही तरफ रहा होगा, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कुछ पहले से बना है बट हमें सेपरेटली मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखो ये मैंने लिया 3 kg वाला मास, ठीक है, 3 kg वाले मास पर सबसे पहला फोर्स बोलो 3g लग जाएगा, ये इसका mg वाला फोर्स है, इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड लगेगा, या चाहो तो आप इसको m2g लिख सकते हो, दिस इज m2g डाउनवर्ड्स, m2 की वैल्यू 3 है बाद में लिख देंगे तो 3g बन जाएगा, ये डाउनवर्ड लगा। और बेटा टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ है, T2 ऊपर की तरफ लग रहा है। सिमिलरली अगर मैं 5 kg वाले मास के लिए अप्लाई करूं या बनाऊं फ्री बॉडी डायग्राम तो आप चेक करो 5 kg वाले का मास है m1 लिखा है तो m1g डाउनवर्ड होगा। रस्सी का टेंशन देखो ऊपर की तरफ है T1, और एक टेंशन देखो यहां पर भी है नीचे की तरफ, दैट इज T2, ठीक है। टेंशन एक ऐसा फोर्स है ना, टेंशन एक ऐसी चीज है जिसको कोई लेना नहीं चाहता जीवन में। मैं चाहता हूं टेंशन मेरे से दूर रहे, आप चाहते हैं टेंशन आपसे दूर रहे, लेकिन कभी कभी जीवन में लेना भी पड़ता है ना। फिलहाल लेकिन किसी से भी पूछोगे भाई मेरा टेंशन थोड़ा ले लो यार, कहेगा भागो यहाँ से, नहीं चाहिए, है ना। इसका मतलब इस 3 kg वाले से पूछे टेंशन लोगे, क्या कहे नहीं हमसे दूर करो, T2 हमसे दूर करो। इससे पूछे भाई तुम ले लो यार, कहेगा नहीं 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 हमें भी नहीं चाहिए, हमसे दूर करो। तो देखो T2 इसने अपने से दूर दिखाया है और इसने अपने से दूर दिखाया है। इससे पूछे इस वाली रस्सी का टेंशन लोगे, कहेगा नहीं नहीं हमसे दूर करो, ये देखो इसने दूर किया। अगर इससे पूछे सीलिंग से यार तुम ले लो, कहेगा पागल दिख रहे हैं क्या, हमसे दूर करो। टेंशन कोई लेना नहीं चाहता, राइट। तो इस तरीके से बेटा टेंशन की डायरेक्शन को तुम इस कंसेप्ट से, है ना, हंसी मजाक में आप टेंशन की डायरेक्शन इस तरीके से बना लेंगे। अब बेटा दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जा ऊपर ही रहे, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो बोलो T2 बड़ा या M2G बड़ा, सोचो, ऑब्वियस है ना। मैं लिख रहा हूं T2 माइनस M2G, बहुत ध्यान से देखो। अगर ये ऊपर जा रहा है बेटा तो T2 बड़ा होगा, नेट फोर्स ऊपर की ही तरफ है। T2 माइनस M2G, दिस इज नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अगर ये नेट फोर्स है तो ये MA के बराबर भी होगा। सो T2 माइनस M2G मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू A, राइट है। तो T2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई है M2G प्लस M2A। M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू 3 kg। सो 3 इंटू जी, जी कितना है 9.8, तो 3 इंटू 9.8 प्लस 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई साहब सॉल्व कर लो, 3 इंटू 9.8 29.4 बेटा प्लस 6 वैल्यू आ गई 35.4 न्यूटन के बराबर। दिस इज वैल्यू ऑफ T2, इट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। ये भी देखो ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो यहां भी T1 ही बढ़ा रहा होगा। तो T1 माइनस T2 माइनस M1G, बेटा ये दोनों नीचे की तरफ है, दोनों निगेटिव होंगे। सो दिस इज नेट फोर्स ऑन दिस M1 ब्लॉक, है ना, दैट मस्ट बी इक्वल टू M1A। तो मेरे प्यारे बच्चों T1 की वैल्यू आएगी T2 प्लस M1G प्लस M1 इंटू A, राइट। तो T2 हम लोग निकाल भी चुके थे, दैट वाज 35.4 प्लस M1G, M1 कितना था 5, तो 5 इंटू 9.8 प्लस 5 इंटू 2 ऑल्सो, राइट। तो सॉल्व करते हैं भैया, 9.8 इंटू 5 ये प्लस 5 इंटू 2 करेंगे बेटा 10 प्लस 35.4, यह आएगा 94.4 न्यूटन के बराबर। दिस इज वैल्यू ऑफ टेंशन T1। तो मेरे प्यारे बच्चों T1 टेंशन की वैल्यू हमें पता है, T2 भी हमें पता है, यही हमें निकालना था। कैलकुलेट T1 एंड T2, राइट। इस तरीके से आप फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस को बड़े प्यार से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, जरा सॉल्व करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं बॉल ऑफ मास 1 kg हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम 2 स्ट्रिंग्स OA एंड OB। ये देखो OA रस्सी है, ये OB रस्सी है और यहाँ पर बॉल लटका हुआ है, बॉल का वेट नीचे है। कह रहे हैं व्हाट आर द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स OA एंड OB। ये OA और ये OB में कितना टेंशन होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर किसी एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस हो, ध्यान देना, एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस T1 T2 और ये ऑब्जेक्ट का वेट, है ना। एक पॉइंट पर अगर 3 फोर्सेस हो तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं। उस कंसेप्ट का नाम है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है अगर एक पॉइंट पर बेटा 3 फोर्सेस हो। ये पॉइंट है, इस पे 3 फोर्सेस हो, ठीक। F1 फोर्स है, इसके अपोजिट वाला एंगल θ1 है। F2 फोर्स है, इसके अपोजिट वाला एंगल θ2 है। F3 फोर्स है, इसके अपोजिट वाला एंगल θ3 है। लामीज थ्योरम कहता है F1 अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन थीटा 3। हमेशा ध्यान रखना, लामीज़ थ्योरम कब अप्लाई किया जाएगा, जब किसी एक पॉइंट पर तीन फोर्सेस लगे हों और वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम, एक पॉइंट पर तीन फोर्सेस लगे हों और पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो, तो आप वहां पर लामीज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लामीज़ थ्योरम कहता है एफ वन अपॉन साइन थीटा 1 बराबर एफ टू अपॉन साइन थीटा 2 बराबर एफ थ्री अपॉन साइन थीटा 3। बहुत इजीली क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा। यहां देखो बेटा, ये T1 है, ये T2 है, ये W है, तीन ही फोर्सेस हैं, है ना। लगाओ धड़ाधड़, सॉल्व करो। T1 अपॉन अपोजिट वाला एंगल कितना है बेटा, 150। सो T1 अपॉन साइन 150 डिग्री दैट इज इक्वल टू T2 अपॉन अपोजिट वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू W। W वेट कितना था, 10 न्यूटन। सो 10 न्यूटन अपॉन एंगल कितना है, 90। क्वेश्चन में सब अपने आप गिवन है, सिंपल। न गिवन होता आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, भैया 30 है, ये 60 है, तो ऑब्वियस है बच्चा 90 होगा, ये 90 है, फिर उधर दिमाग लगाते आप कितना होगा, है ना। तो अगर एंगल पता है या हम दिमाग लगा के अगर एंगल निकाल लेंगे तो बस तुरंत सॉल्व होगा। अब पहला और तीसरा वाला बेटा ले लो, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10 साइन 150 डिग्री अपॉन साइन 91 होता है बेटा, तो 10 साइन 150 हो गया। T2 निकालोगे तो 10 साइन 120 डिग्री हो गया है और साइन 90 तो 1 के बराबर होता है। ये आपका आंसर है। T1 भी आ गया भैया, T2 भी आ गया है। साइन 150 वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू 10 साइन, देखो साइन 150 को 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये 10 साइन 30 डिग्री होगा। साइन 30 1/2 होता है बेटा, 10 इंटू 1/2 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 5 न्यूटन के बराबर, राइट। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूं 10 साइन 180 माइनस 60 और 180 माइनस थीटा साइन में होता है, तो साइन थीटा यानी साइन 60 बराबर होगा, यानी 10 इंटू अंडर रूट 3/2। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये आंसर आएगा 5√3। T1 की वैल्यू 5 न्यूटन, T2 की वैल्यू 5√3 के बराबर आ जाएगी, राइट। देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, एज शोन इन द फिगर 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड टुगेदर लाई ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल एंड पुल टू द राइट विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन के फोर्स से राइट साइड में खींचा जा रहा है इन सारे ब्लॉक्स को। कह रहे हैं M1 वाला जो ब्लॉक है भैया वो 5 kg का है, M2 जो है वो 10 kg का है, M3 जो है वो 15 kg का है। फाइंड टेंशंस T1 एंड T2। T1 और T2 की वैल्यू बताओ। एक चीज समझो बेटा, समझो, अगर मैं इस पूरे को एक ब्लॉक मान लू, पूरे को एक सिस्टम मान लू, तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना हुआ, 15 10 25 25 5 30 30 किलोग्राम पूरे का जो है टोटल मास हुआ। सो टोटल मास ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का जो टोटल मास है वो 15 10 5, तो भैया कितना आ जाएगा, 30 किलोग्राम, राइट। दैट इज टोटल मास, ऐड करके दिखा दो। टोटल फोर्स अगर मैं देखूं जो राइट साइड में है, तो इस तरह के फोर्स को बोलते हैं टोटल ड्राइविंग फोर्स। ये वो फोर्स है जो पूरे बॉडी को राइट साइड में ले जा रहा है, इन मासेस को राइट में खींच रहा है। एक ही फोर्स है 50 न्यूटन का। सो एज वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो 50 न्यूटन जो है वो 30 इंटू ए के बराबर होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। ये जितने भी ब्लॉक्स हैं, इन सभी ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन बेटा है वो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट साइड में निकल आया, है ना। राइट साइड में ये एक्सेलरेशन अपने को मिल गया है। अब मुद्दा ये है कि सर T1 और T2 की वैल्यू क्या है, तो बेटा M1 वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये रहा M1, वेट लगेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन देगा ग्राउंड, है ना। एक T1 फोर्स है, फ्रिक्शन है नहीं, बात खत्म है, यही है ना। अब अगर इससे पूछो भैया ये आगे की तरफ जा रहा है, एक ही फोर्स है जो इसको आगे ले जा रहा है, उस फोर्स का नाम है T1। तो ये जो T1 है यही नेट फोर्स है, नेट फोर्स ma के बराबर होता है दैट इज इक्वल टू m1a। इसका मास है 5 kg, तो 5 × 5/3, तो मेरे प्यारे बच्चों 25/3 न्यूटन, ये आ गई वैल्यू किसकी, T1 की। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं M2 का बनाओ मास, फ्री बॉडी डायग्राम, बेटा M2G लगेगा डाउनवर्ड वेट, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, T2 इधर की तरफ है और T1 भाई साहब लेफ्ट साइड में है, बट रिजल्टेंट देखो तो एक्सेलरेशन राइट साइड का है, मतलब बड़ा कौन रहा होगा, T2। अगर T2 बड़ा है तो T2 - T1, दिस इज नेट फोर्स ऑन M2 ब्लॉक, है ना, ऑन राइट साइड, विच इज इक्वल टू M2 × A, नेट फोर्स MA के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों T2 = T1 + M2A, और T1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं भैया 25/3, प्लस M2 कितना था 10 kg, एक्सेलेरेशन कितना था 5/3, है ना भाई, 25/3, 50/3, तो कितना आएगा, है ना, 25, 50, 75, 75/3, बोलो भाई, 25 और 50, 75, 75/3, 75/3 कितना होता है भाई साहब, 25 न्यूटन के बराबर, राइट है, 25 न्यूटन के बराबर, 25 न्यूटन के बराबर ये वैल्यू हमारी निकल आई, है ना, कैलकुलेशन देख लेना बेटा। T1 की वैल्यू आई 25/3 और T2 की वैल्यू आ गई है 25 न्यूटन के बराबर, राइट है। ठीक, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो जी, अगला कंसेप्ट है सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, मतलब वो है कहां पर, और इसके साथ साथ टाइम को भी कंसीडर कर लिया जाए। पार्टिकल पॉइंट का, बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट की वो कहां है, लोकेशन क्या है और किस टाइम पर आप देख रहे हो, इस पूरे को कंबाइंड फॉर्म में बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इसी पूरे को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का होता है। सबसे पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अनएक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में अनएक्सेलरेटेड हो, जिसका एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में 0 हो, जिसकी वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, राइट। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब अनएक्सेलरेटेड, अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, राइट। सर नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड होते हैं, दे आर एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में जो फ्रेम्स एक्सेलरेटेड हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। जैसे देखो अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए ना वो इनर्शियल फ्रेम में ही सॉल्व किए थे। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ये एक लिफ्ट है, मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अगर कोई लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, एक्सेलरेटेड है, तो ये लिफ्ट कैसा फ्रेम हो गया बेटा, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन यही लिफ्ट नीचे जा रही हो विद वेलोसिटी 2 मीटर/सेकंड। अब 2 मीटर/सेकंड एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये इनर्शियल फ्रेम है, दिस इज इनर्शियल फ्रेम, राइट। डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा। एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल है, एक्सेलरेटेड नहीं है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब इसके अंदर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का देखो वेट लगेगा डाउनवर्ड्स, ठीक है, लिफ्ट का जो फ्लोर है वो उसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। यहां पर एक नए फोर्स का समझ लो कंसेप्ट आता है जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक नए फोर्स की बात आती है जिसका नाम क्या है, स्यूडो फोर्स। सर ये स्यूडो फोर्स क्या है? स्यूडो का मतलब होता है भूत, हिंदी में देखोगे तो भूत बल। ऐसा फोर्स जो लग तो रहा है, फील तो हो रहा है, बट किसने लगाया नहीं पता, कहां से आया नहीं पता, लेकिन है, पिक्चर में है, राइट। अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है तो इस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगेगा। उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा, ma नॉट, राइट, ma नॉट। यहां ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा डाउनवर्ड mg और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड। यहां पे कोई पूछेगा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, आप सीधे बताएंगे सर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। यहां पर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे सर n प्लस ma नॉट, दैट इज इक्वल टू mg। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन जो मिल रहा है दैट इज mg माइनस ma नॉट। इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को कम नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, कम नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर मिल रहा होगा। ये कंसेप्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम का, और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में ही स्यूडो फोर्स की बात की जाती है। इनर्शियल फ्रेम में ऐसा कोई फोर्स नहीं। स्यूडो फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है तो स्यूडो ऊपर लगेगा, अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होता तो स्यूडो नीचे लग रहा होता, राइट। तो पढ़ो बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। सो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है दे आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, उसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम में ऑल फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव बीन डिराइव्ड इन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही सारे लॉज को, बेसिक लॉज को हम लोग डिराइव करते हैं। ऑल द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टू हैव द सेम मैथमेटिकल फॉर्म इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। जितने भी फिजिक्स के लॉज आपने पढ़ रखे हैं बिल्कुल सेम फॉर्म में वो यूज होते हैं जब बात इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जाती है। मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जितने भी हैं, राइट, परफॉर्म्ड इन इनर्शियल फ्रेम इन एनी डायरेक्शन विल ऑलवेज यील्ड सेम रिजल्ट। किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे सेम रिजल्ट आएगा। इस प्रॉपर्टी को आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है, ऑफ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात समझ में आएगी जब थोड़ा सा और आगे के चैप्टर्स में आप आएंगे कि सर आइसोट्रोपिक और इनका मतलब क्या है। बहुत परेशान मत होना। एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो बेटा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। न्यूटन के जो लॉज हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं क्योंकि यहां पर स्यूडो फोर्स आएगा, राइट, सिंपली F बराबर m नहीं लगेगा, स्यूडो फोर्स भी होगा, ये बात ध्यान रखना। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अब कोई चीज रोटेट कर रही है, बड़ा वाला झूला मान लो, ये वर्टिकल सर्किल वाला झूला होता है, बड़ा वाला झूला होगा आपने, जब आप इस जगह पर होंगे, है ना, अब भाई झूला झूल रहे हो आप। अच्छा एक चीज और देखो, स्यूडो फोर्स किसके ऊपर लगा, क्या लिफ्ट के ऊपर लगा? नहीं, लिफ्ट के अंदर जो सामान रखा होगा, जो व्यक्ति खड़ा होगा, उसके ऊपर स्यूडो लगेगा। यही कारण है कि जब ये लिफ्ट नीचे जाती है, आप लोग फील कर रहे हैं, लिफ्ट कभी जब नीचे जाती है तो एक अजीब सा थोड़ा सा फील होता है लिफ्ट के अंदर, ऐसा लगता है कुछ ऊपर जा रहा है, एक अजीब सी फीलिंग आती है, राइट, वो वेटलेसनेस की फीलिंग है। क्योंकि लिफ्ट नीचे जाएगी तो आपके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो आपके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, उस समय आपको आपका वेट ज्यादा फील हो रहा होगा। ऐसे यहां पर है, देखो कोई भी एक झूला है जो कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, इस केबिन के अंदर लोग बैठते हैं, है ना, केबिन सर्कुलर मोशन में है बेटा, तो केबिन के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, आया था पिछले लेक्चर में। ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इस केबिन के अंदर जो बैठा है पर्सन, यहां पर आमने सामने जो बैठे हैं दो लोग, इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंटर की तरफ फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो सेंटर के अवे है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। अब यहां पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर के अपोजिट। देखो ये फोर्स लगेगा किस पर? केबिन पर, सेंट्रीपिटल। लेकिन केबिन के अंदर जो होगा, केबिन के ऊपर जो बैठा होगा, उसके ऊपर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, आउटवर्ड डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तो ये बात ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल हमेशा उस ऑब्जेक्ट पर लगता है जो सर्कुलर मोशन में है, सेंट्रीफ्यूगल हमेशा उस ऑब्जेक्ट पर लगता है जो सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर या उसके ऊपर है, राइट। तो जो बड़ा वाला झूला होता है, ऐसे झूले का जो केबिन है उस पर सेंट्रीपिटल लगेगा, केबिन के अंदर जो बैठा होगा उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। अभी तुरंत कमेंट करके बताओ, हाँ सर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता सेंट्रीफ्यूगल क्या है, उनको बस इतना पता है सेंट्रीपिटल के अपोजिट फोर्स लगता है, भैया सेंट्रीफ्यूगल होता है। अगर ऐसे लग रहा होता तब तो नेट फोर्स हमेशा ही जीरो होगा, सेंटर की तरफ भी लग रहा, बाहर भी लग रहा, मैग्नीट्यूड सेम है तो जीरो ही होगा फिर तो, है ना। ऐसा नहीं होता, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। स्यूडो फोर्स क्या है भैया? दीज दोज फोर्सेस व्हिच डू नॉट एक्चुअली एक्ट ऑन द पार्टिकल्स बट अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो है पिक्चर में, अपीयर्स टू बी एक्टिंग, कहां से आए नहीं पता। फिक्टिशियस फोर्स भी बोलते हैं इसको, दैट इज माइनस ऑफ, मतलब माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना, m इनटू a नॉट। अब आ जाओ कंसेप्ट ऑफ पुली सिखाते हैं। पुली एक मशीन है, मशीन का काम क्या होता है? ह्यूमन एफर्ट को मिनिमाइज करना। थ्री इडियट मूवी में सिखाया ना, मशीन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, है ना। तो ये वही वाली भैया मशीन है। किसी भी पुली को आपने देखा होगा कुएं वगैरह में, है जो बच्चे गांव से अगर कुछ बिलोंग करते होंगे, है ना, जो इंग्लैंड वाले बच्चे हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो देसी बच्चे हैं अपने, जो गाँव वाँव थोड़ा जानते समझते हैं, है ना, वो लोग इस चीज़ को कमेंट करके जरूर बताएंगे। हाँ सर पता है सर, कुएं में ऊपर इस तरीके की घिरनी लगी होती है, उसी से इधर से हम लोग खींच रहे होते हैं और इधर से बाल्टी जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही होती है, इसी को बेटा पुली कहा जाता है। पुली में ऐसे रस्सी होती है, रस्सी में पार्टिकल्स बांधे जाते हैं, पार्टिकल्स के अपने अपने मासेस होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से कोई पार्टिकल नीचे कोई पार्टिकल ऊपर इस तरीके के मोशन हो रहा होता है, राइट। अ सिंगल फिक्स्ड पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका काम क्या है? फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करना। मैं खींचूंगा इधर की तरफ से लेकिन ये ऊपर की तरफ उठ रहा होगा, तो इसने बेसिकली क्या किया? इसने फोर्स की डायरेक्शन को चेंज किया। तो ये फोर्स की डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज करने का काम कर रहा होता है। जनरली अज्यूम्ड टू बी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। हम लोग हमेशा मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली की बात जो है कर रहे होते हैं, ठीक। आ जाओ पुली पर, सबसे छोटा सा सबसे प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ये पुली है, एक मास बेटा इधर रखो m1 मास, एक मास आप इधर रखो m2 मास, ठीक है। पुली को उसके सेंटर से कहीं पे लटका दो, ठीक है। देखो कभी भी रस्सी होगी तो रस्सी में टेंशन जरूर होगा, इधर भी T इधर भी T, रस्सी में टेंशन। एक सिंगल रस्सी है तो टेंशन भी सेम होगा, जितना टेंशन इधर उतना ही इधर की तरफ होगा। रस्सी बदल जाएगी तो टेंशन भी बदल जाएगा, लेकिन रस्सी सेम है, टेंशन भी यहां पर बेटा सेम है। दोनों मासेस की वजह से वेट लग रहा होगा, m1 जी इधर लगेगा, m2 जी इधर लगेगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर m2 की वैल्यू ज्यादा है, कंसीडर क्या कर रहे हैं हम लोग, m2 ग्रेटर देन m1, अगर इसका वेट ज्यादा है तो ऑब्वियस है ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो इसको ऊपर आना ही पड़ेगा, ठीक। अब इक्वेशंस बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है रस्सी का टेंशन और इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताइए। जरा सोचो, अगर इसको नीचे खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा, श्योर है, जितना नीचे खींचेंगे ये उतना ही ऊपर जाएगा, ये भी श्योर है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी एक्सेलरेशन a होगा। अब अगर ये नीचे जा रहा है तो बेटा m2g बड़ा है या t बड़ा है? बताओ, नीचे जा रहा है, ये बड़ा कि ये बड़ा? लॉजिक लगाओ। आप कहेंगे सर m2g बड़ा होना चाहिए, m2g माइनस t, यही तो इसके ऊपर नेट फोर्स है। नेट फोर्स ma के बराबर होता है। अब भैया मास m2 है, एक्सेलरेशन a के बराबर है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये ऊपर जा रहा है बेटा तो t बड़ा या m1g बड़ा? बताओ, अगर ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस है ना t बड़ा, तो t माइनस m1g मस्ट बी इक्वल टू m1 इनटू a। दीज आर टू डिफरेंट इक्वेशंस। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे t से t बेटा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम m2g माइनस m1g, ये बन जाएगा m2a प्लस m1a, यहां पर आपको दिख रहा होगा g कॉमन है, m2 माइनस m1 टाइम्स g, यहाँ पर आपको a कॉमन दिख रहा होगा तो m2 प्लस m1 टाइम्स a, यहाँ से बेटा एक्सेलरेशन निकल आया m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 टाइम्स g, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन की ये वैल्यू उठाकर आप रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 किसी भी एक में रख दो, m2g माइनस t बराबर m2a, सो दैट विल बिकम m2 इंटू a, a की वैल्यू कितनी है भैया m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 टाइम्स g, तो देखो जरा m2g माइनस t बराबर m2g टाइम्स m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, ठीक है। यहां से बेटा हम लोग t की वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू आप निकालोगे तो ये बन जाएगा m2g माइनस m2g टाइम्स m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, तो m2g आप कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, ठीक है। तो m2g एलसीएम ले लो, m2 प्लस m1 माइनस m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, देखो m1 प्लस m1 यानी 2m1, 2m1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टाइम्स m1 m2g डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, दिस इज वैल्यू ऑफ टेंशन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई और टेंशन की वैल्यू भी आ गई, राइट। तो अगर एक बहुत ही सिंपल सी पुली का क्वेश्चन कभी आपको इस तरीके का दिया जाएगा तो यूजिंग दिस कंसेप्ट, ये दो इक्वेशन अगर आपको बनाना आ गया, ये दो इक्वेशंस अगर आपने मस्ती से बनाना सीख लिया, राइट, तो आप तुरंत सॉल्व कर डालोगे, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट, मान लो एक पुली ये है, इस तरह का बेटा कोई क्वेश्चन बन जाए, है ना, इस तरह का क्वेश्चन बन जाए, ये m1 मास है, ये m2 मास है। अब अगर ध्यान से देखो, मान लो इस बार m1 बड़ा है, ठीक, m1 अगर बड़ा है तो ये अगर नीचे जाएगा तो ऑब्वियस है ये ऊपर आएगा, सोच लो, है ना। अब फिर से सेम चीज आपसे बोलेंगे, रस्सी के टेंशन बता दो और ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बता दो सबका। अब अगर रस्सी सेम है, देखो यहां से लेकर अगर ये पूरी रस्सी सेम है तो रस्सी के हर पॉइंट पर टेंशन बेटा क्या होगा, सेम होगा, तो रस्सी तो सेम थी, तो आप भी कहेंगे सर टेंशन सेम है, यहां भी टी है, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, ये रस्सी अलग है तो टेंशन भी अलग है, इधर टेंशन टी डैश है, इधर टेंशन टी डैश है, राइट, रस्सी बदल गई, टेंशन बदल गया। अब अगली चीज देखो, ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा डाउनवर्ड लगेगा भैया, m1g इसका भी लगेगा, m2g वेट लग गया। एक चीज सोचो, इसको नीचे खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितना। अगर मैं इसको देखो, पीछे वाले में क्या था, सिंपल, अगर मैं इसको 1 मीटर नीचे खींचता हूं तो ये 1 मीटर ऊपर जाएगा, सिंपल था। यहां पर देखो क्या है, अगर मैं इसको 1 मीटर नीचे खींचूंगा, ठीक है, इसको मैं 1 मीटर नीचे खींचूंगा तो ये ऊपर तो जाएगा, लेकिन कितना सोचो। अगर इसको 1 मीटर नीचे खींचेंगे तो ये बेटा कितना ऊपर जाएगा, सोचो। 1 मीटर नीचे खींचा तो वो रस्सी कहां से आ रही है, हनुमान जी की पूछ तो है नहीं कि इसे खींच लोगे। इसको अगर नीचे खींच रहे हो तो ये रस्सी खींच रही है ना, ये रस्सी कहां से आ रही है, इधर से, है ना। अगर 1 मीटर नीचे गया तो ये पुली, पूरा का पूरा पुली बेटा आधा मीटर ऊपर आएगा, आधा मीटर। जब ये पुली आधा मीटर ऊपर आएगा तो आधा मीटर इधर का रस्सी और आधा मीटर इधर का रस्सी, ये दोनों रस्सी फ्री हो जाएगा, खट से इधर लटक जाएगा। इमेजिन करो, इसको अगर 1 मीटर में नीचे खींच रहा हूं तो 0.5 मीटर रस्सी इधर से मिलेगी, 0.5 मीटर रस्सी इधर से मिलेगी, ठीक है। या उल्टा सोचो, इमेजिन करो, इसको मैंने 0.5 मीटर ऊपर किया, अगर ये पुली 0.5 मीटर ऊपर जाएगी तो ये वाला मास भी 0.5 मीटर ऊपर जाएगा, राइट। अगर ये 0.5 मीटर ऊपर गई तो 0.5 मीटर इधर की रस्सी, 0.5 मीटर इधर की रस्सी, दोनों खट से इधर लटक जाएगी नीचे, तो 1 मीटर नीचे तक पहुंच जाएगी, बोलो रस्सी। सोच लो, आराम से सोच लो, ये चीज सोच लो, एकदम बढ़िया मस्ती से सोच लो, क्योंकि बिना इसके बेटा आएगा नहीं, ठीक है भाई। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसको 1 मीटर खींचेंगे तो ये आधा मीटर ऊपर जाएगा, यानी इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो सर इसका एक्सेलरेशन a/2 होगा। ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, आसान तरीके से तुम्हें बता रहा हूं, कोई और टफ तरीका नहीं बता रहा हूं, आसान वाला बता रहा हूं कि इसको 1 मीटर खींचेंगे नीचे तो ये आधा मीटर ऊपर जाएगा, तो अगर उसका एक्सेलरेशन a है डाउनवर्ड्स तो इसका a/2 होगा अपवर्ड्स, राइट। अब इक्वेशन बेटा बना लो, देखो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो T1 बड़ा या M2G बड़ा, ऑब्वियस है T1 बड़ा, तो T1 माइनस M2G बराबर M2 इंटू a/2, राइट। T1 माइनस M2G बराबर M2 इंटू a/2, ये नीचे जा रहा है तो बेटा M1G माइनस T बराबर M1 इंटू a, ठीक। और बेटा इस बार 3 अननोन्स है, टी डैश, टी और ए, 3 अननोन्स है हमारे पास, तो एक इक्वेशन इस पुली से भी मिलेगी। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, एक इक्वेशन यहां से भी मिलेगा, ठीक है। ये एक देखो, यहां से भी इक्वेशन आपको मिलेगी, यहां से, इससे भी। ये जो पुली है, इस पुली पर नेट फोर्स अपवर्ड कितना है, T+T 2T, और नीचे कितना बेटा T डैश, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2T बराबर T डैश। ये जो पुली है, ये पुली डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, सोचो पुली तो मूव कर रही है ना भाई ऊपर नीचे, पुली डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, राइट, क्योंकि पुली पर नेट फोर्स कितना है 0, लेकिन इस पर और इस पर नेट फोर्स 0 नहीं है, M1 और M2 इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन पुली डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, पुली ऊपर जा रही है विद 0 फोर्स, राइट। ये 3 इक्वेशंस हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ पुली बढ़ती जाएंगी, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होता जाएगा। अब आप यहाँ से यूज करो यार, टी डैश की वैल्यू रखो यहाँ पर, है ना, तो बन जाएगा 2t माइनस m2g बराबर m2a/2, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2m1g माइनस 2t बराबर 2m1 इंटू a, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलो और दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। जैसे ही बेटा ऐड करोगे 2t से 2t कट जाएगा, 2m1g माइनस m2g तो 2m1 माइनस m2 टाइम्स g मिल जाएगा हमें बराबर। इनको इनको ऐड करना है अपने को, तो m2 बाई 2 प्लस 2m1 टाइम्स a मिलेगा। यहाँ से एक्सेलेरेशन देखो आ गया, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई 2m1 माइनस m2 टाइम्स g डिवाइडेड बाई ये नीचे ले आओ, एलसीएम लो बेटा, 2m2 प्लस 4m1, ये वाला 2 कहाँ गया ऊपर ऊपर, ये है ना, ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। और एक्सेलेरेशन की ये वैल्यू उठाकर आप सेकंड या किसी भी एक इक्वेशन में रखो, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में अगर मैं रख दूं तो टेंशन की वैल्यू आएगी, यानी कि m1g माइनस टी बराबर m1 इंटू a, और a की वैल्यू कितनी है ट्वाइस, है ना, तो 2 टाइम्स 2m1 माइनस m2g अपॉन m2 प्लस 4m1, ये ले जाओ इसको अंदर। टी की वैल्यू निकालोगे तो बनेगा m1g माइनस 2m1g 2m1 माइनस m2 अपॉन m2 प्लस 4m1, है ना। सो टेंशन की वैल्यू बेटा m1g कॉमन कर लो, 1 माइनस 2 टाइम्स 2m1 माइनस m2 अपॉन m2 प्लस 4m1, तो टेंशन की वैल्यू आ गई m1g टाइम्स m2 प्लस 4m1 माइनस 4m1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m2 प्लस 4m1। देखो 4m1 से 4m1 कट जाएगा, ठीक है, m2 प्लस 2m2 3m2 होगा, तो बेटा 3m1 m2g अपॉन m2 प्लस 4m1, दिस इज वैल्यू ऑफ टेंशन, है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों टेंशन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये टेंशन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं भी नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से देख लेना आप सब लोग, राइट। बाकी इक्वेशन यही है, 3 ये इक्वेशंस बनेंगी, इनके बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जैसे जैसे बेटा नंबर ऑफ पुली बढ़ती जाएंगी, क्वेश्चंस थोड़ा सा और ज्यादा सोचना पड़ेगा और ज्यादा दिमाग आपको उसमें लगाना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह के दो पुली वाले क्वेश्चंस एटलीस्ट आप ट्राई करो, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जिसमें 1 पुली या 2 पुली का यूज किया गया है, राइट है। बोर्ड लेवल पर, स्कूल के लेवल पर इतना आपको आना ही चाहिए। फिर बेटा बात आई स्प्रिंग की, कि अगर स्प्रिंग किसी क्वेश्चन में आए तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, समझो। किसी भी स्प्रिंग का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को खींचना या मतलब स्प्रिंग खींच सकती है या कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। अगर जैसे कोई स्प्रिंग है अपनी नॉर्मल लेंथ में, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है, एल नेचुरल लेंथ है, तो इसमें कोई फोर्स नहीं होगा, फोर्स विल बी 0। लेकिन अगर इस स्प्रिंग को खींच दिया जाए, कोई एक ऑब्जेक्ट लटका दो, स्प्रिंग खींच जाएगी। कितनी खींच गई भाई, नॉर्मल लेंथ इसका कितना था, एल के बराबर, अभी वो थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस खींच गया है इस ऑब्जेक्ट के अपने वेट की वजह से। अगर ये खींच जाएगी, ठीक है, तो इस स्प्रिंग में एक फोर्स अंदर की तरफ जनरेट हो जाएगा, उस फोर्स की वैल्यू होती है kx, या अगर मैं सिंपल बोलूं स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसकी वैल्यू है f। अगर स्प्रिंग खिंच गई तो फोर्स डेवलप हो जाएगा f के बराबर, और ये जो फोर्स f होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। माइनस ये दिखाता है कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा। आप नीचे खींचोगे तो फोर्स ऊपर आएगा, आप दबाओगे तो फोर्स नीचे की तरफ आएगा, मतलब फोर्स हमेशा अपोजिट होगा। सर ये एक्स क्या है? एक्स का मतलब है बेटा इलॉन्गेशन और कंप्रेशन। एक्स का मतलब है इलॉन्गेशन और कंप्रेशन, इलॉन्गेशन और कंप्रेशन, राइट। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो कोई फोर्स नहीं होगा, लेकिन अगर स्प्रिंग खिंची हुई है तो फोर्स होगा अंदर की तरफ, स्प्रिंग दबी हुई है तो फोर्स होगा बाहर की तरफ, राइट। तो एक्स क्या होता है? दैट इज इलॉन्गेशन और कंप्रेशन। और मेरे प्यारे बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, सो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां पर ये के कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये के क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो एफ बराबर माइनस के एक्स, माइनस डायरेक्शन शो करता है और के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स का मतलब इलॉन्गेशन या कंप्रेशन, कितना खींच दिया स्प्रिंग को या कितना दबा दिया ये एक्स होता है, दैट इज इलॉन्गेशन और कंप्रेशन, राइट है। तो स्प्रिंग पर भी बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको मिल जाए छोटे मोटे, उन क्वेश्चंस को भी आपको ट्राई करना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उस कंसेप्ट का नाम है फ्रिक्शन। सर ये फ्रिक्शन क्या होता है? देखो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सर ये रिलेटिव मोशन क्या है? जैसे देखो ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाए, सरफेस वहीं रह जाए, तो यहां रिलेटिव मोशन आएगा। सरफेस वहीं रह गई, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ गया, रिलेटिव मोशन। लेकिन सर सरफेस है, ऑब्जेक्ट रखा है, अगर ऐसे ऐसे हो रहा हो, ऑब्जेक्ट भी बढ़ रहा है, सरफेस भी बढ़ रहा है, अब रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब मैं यही रह जाऊं, दोस्त आगे बढ़ जाए, रिलेटिव मोशन है। मैं और दोस्त दोनों साथ में एक कार में बैठ के यहां से दुबई चले जाए तो ये रिलेटिव मोशन नहीं है, राइट। रिलेटिव मोशन का अपोज करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कोई दुश्मन नहीं है, ये बड़ा अच्छा फोर्स है, ये चाहता है दोस्ती टूटे ना, मेरे साथ मेरा दोस्त चले, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मेरे से आगे ना जाए दोस्त, है ना। 3 इडियट का एक डायलॉग है कि दोस्त फेल हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, वही लेकिन वही दोस्त अगर टॉप कर जाए तो उससे ज्यादा कष्ट होता है ना। ये कैसे टॉप कर गया साला, मैं नहीं कर पाया, ये कैसे कर गया, राइट। होता है तो होना नहीं चाहिए लेकिन होता है ये, मतलब, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन वाली जो फीलिंग है, अगर दो पक्के दोस्तों में कंपटीशन वाली फीलिंग है तो ये बहुत हेल्दी है। एक दूसरे को साथ में लेके चलो, उसको भी सिखाने की कोशिश करो लेकिन उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। निगेटिव मत करो, कभी भी किसी दोस्त का गलत नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि उसने कुछ पूछा तुमने गलत कंसेप्ट बता दिया, नहीं, उसको सही कंसेप्ट बता, अगर तुम्हें आता है उसकी पूरी मदद करो, उसके बाद भी उससे आगे, उससे ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो, वो तुमसे ज्यादा लाने की कोशिश करे, तुम उससे ज्यादा लाने की कोशिश करो, इसमें दोनों की भलाई है, तुम्हारी भी उसकी भी। मदद दोनों करो एक दूसरे की, एक दूसरे की पूरी शेयरिंग, मतलब हेल्प करो, हर चीज शेयर करो, सब करो, लेकिन अपने ब्रेन को ऐसा डेवलप करो कि आप आगे निकलो, इससे आप दोनों का हेल्प होगा। और ये एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है, होना चाहिए, ये आपको प्रोग्रेस दिलाता है ना। गद्दारी नहीं करनी चाहिए, बस ये अच्छी बात है। फ्रिक्शन देखो क्या है यार, whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force come into play which acts parallel to the surface of contact and opposes the relative motion. This opposing force is called friction. इसी opposing force को मेरे प्यारे बच्चों friction कहा जाता है। सर फ्रिक्शन थोड़ा सा और बताओ सर, मजा नहीं आया। देखो बेटा, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर इस तरीके का फोर्स लगाएंगे, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, सरफेस वहीं पर रह गया तो सरफेस इसके ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यही बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन कहलाता है। ये बैकवर्ड फोर्स क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। और ये जो एफ वाला जो फोर्स है ना, ये एफ वाला जो फोर्स है, दिस इज अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है ना। और ये जो बैकवर्ड फोर्स है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड लगेगा, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अपवर्ड लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। कई बार लोगों को लगता है कि हैवी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। फ्रिक्शन वेट पर डिपेंडेंट नहीं है, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंडेंट है। वो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर वेट के एग्जैक्टली बराबर है वो एक अलग बात है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार नॉर्मल रिएक्शन वेट से कम होता है बेटा, अभी आगे बताएंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में वैल्यू अलग अलग होती है। फिलहाल फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट म्यू कहलाता है। सो एफ इज इक्वल टू म्यू एन, और इस म्यू का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस म्यू को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कांस्टेंट है जो कि सरफेस की रफनेस या फिर स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, और हर सरफेस का म्यू अलग अलग होता है। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा म्यू क्या चीज है, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है मेरे प्यारे बच्चों वो एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन के बराबर लिखा जाता है, राइट। तो फ्रिक्शन का फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होने देना चाहता, उनको अलग अलग नहीं होने देना चाहता, वो चाहता साथ में चलो दोनों, है ना। तो ये बड़ा प्यारा सा फोर्स है भैया फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के बारे में आइए और डिटेल में डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इनफैक्ट अगर आपने लगाया है ना, तो फ्रिक्शन का फोर्स अपने आप वहां पर डेवलप होता है अगर वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में रखा हुआ है। तो इसी कारण से फ्रिक्शन, मैं आपको बताऊं, तीन तरह का बेटा फ्रिक्शन हो सकता है। सबसे पहला फ्रिक्शन का टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। दूसरा फ्रिक्शन का टाइप होता है, या कह लो इसी स्टैटिक में ही एक कैटेगरी है जिसको हम लोग कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तीसरा फ्रिक्शन का टाइप हो सकता है जिसका नाम है डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन के बेसिकली हम लोग के तीन टाइप्स हो गए। सबसे पहला है भैया स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा है बेटा डायनेमिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बताइए सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है ना, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू किया है, यह ऑब्जेक्ट है, यह अभी रेस्ट कंडीशन पर है, किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, आपने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि एक भारी सी अलमारी है, हम लोग धक्का लगा रहे हैं लेकिन अलमारी बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है ना। एक जेसीबी खड़ा है, हम लोग धक्का लगा रहे हैं लेकिन जरा भी मूव नहीं कर रहा है। तो उस समय हमारे उस अप्लाइड फोर्स को अपोज करने वाला जो फोर्स होता है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो यहां पर जो फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई होता है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। यानी कि आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैं आपको बताऊं, नेचर ऐसा होता है कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बेटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन जब यही स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाता है तो उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। यानी एफएस की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज नोन एज एफएल, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। और तीसरा है बेटा डायनेमिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब हमने फोर्स लगाया हुआ है, ऑब्जेक्ट मूव कर चुका है, अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, रनिंग कंडीशन में ऑब्जेक्ट आ गया है, अब जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड हो रहा है दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके ग्राफ को आपको थोड़ा सा समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ वाई एक्सिस पर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग अप्लाइड फोर्स को ले रहे हैं। स्टार्टिंग में ये जो ग्राफ है वो आपका कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही, हल्का सा कम होकर के फिर ऑलमोस्ट जाकर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, राइट। ये जो पहले सीन है, देखो ये वाला जो सीन है, ये सीन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं या एफ एस मैक्स बोल सकते हैं। और इसके बाद ये जो फ्रिक्शन हमारा है दैट इज एफ के, यानी कि हम इसको काइनेटिक या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन नाम दे सकते हैं, राइट। अब हम लोगों ने एक चीज और पढ़ रखी है कि जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो म्यू एन के बराबर होता है। तो अगर बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन है तो वो म्यू एस एन के बराबर होगा, और अगर वो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो वो म्यू के एन के बराबर होता है। कुछ इस तरीके से आपके पास दो फॉर्मूले हैं, है ना। इन्हीं का यूज हम लोग कर सकते हैं जब कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाएगा तो, राइट। तो ये फ्रिक्शन के तीन बेसिक टाइप्स हैं, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब अप्लाई होगा जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आप तब अप्लाई करते हो, या लिमिटिंग फ्रिक्शन तब कहलाता है जब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यानी इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स, जिसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने लगेगा लेकिन अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एफ एस मैक्स हो गया, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है, अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हमारा डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। इसके बाद बेटा लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। देखो फ्रिक्शन का बेसिक जो लॉ है मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन का फोर्स भी बढ़ रहा है। फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो म्यू एन के बराबर है, जहां पर म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट यहां पर लॉ के रूप में आप ले सकते हो वो है स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन, काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन। उसके बाद लॉज में जो आप कंसीडर करते हो, दो पॉइंट्स और दिमाग में है, वो ये सबसे पहला है कि भाई फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। फ्रिक्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट लॉ है फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसेस। दो सरफेस के बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है फ्रिक्शन उस पर भी बेटा डिपेंड नहीं कर रहा होता है, यानी इस पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो सर किस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग अगला एक लॉ लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रफनेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन रफनेस और स्मूथनेस ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन जो है वो रफनेस और स्मूथनेस पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। फ्रिक्शन में जो म्यू होता है जिसको आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हो, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रफनेस या फिर स्मूथनेस पर बेटा डिपेंडेंट हो गया। तो अगला पॉइंट यही है कि सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज एफ बाई एन, यानी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। यानी अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है सरफेस पर रखा है, आपने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर इस तरीके से लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन इज नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप लोग लिख सकते हो, लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अभी, आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं। फ्रिक्शनल फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, है ना। जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है और जो भी नॉर्मल रिएक्शन है, इन्हीं दोनों का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में इस तरह का डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है, देखो डायग्राम से आपको समझाएंगे, बहुत मस्ती से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का देखो वेट डाउनवर्ड लगा है, नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लगा है, एक्सटर्नल फोर्स हमने इधर लगाया है, तो फ्रिक्शन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग गया, ठीक है। अब बेटा फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालें, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट निकालोगे तो वो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का आ जाएगा, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है यही एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इट इज द एंगल बिटवीन, मैं लिख रहा हूं, इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between normal reaction and resultant of normal reaction with फ्रिक्शनल फोर्स। जरा पढ़िए क्या लिखा है कि इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विद फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। ये जो ट्रायंगल बेटा यहां पर फॉर्म हो गया, इस वाले ट्रायंगल में एनालिसिस के लिए अगर आप टैन अल्फा अप्लाई कर दो तो एक बड़ा प्यारा रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो टैन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, अगर ये फ्रिक्शन है तो भैया ये भी फ्रिक्शन हो जाएगा, है ना, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो टैन अल्फा जो हमारा है वो एफ बाई एन के बराबर होगा, फ्रिक्शन खुद म्यू एन के बराबर होता है, तो म्यू एन बाई एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा और म्यू की वैल्यू बेटा निकल आएगी टैन अल्फा के बराबर। म्यू इज इक्वल टू टैन अल्फा, जहां पर ये अल्फा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा किसके बराबर है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। तो ये एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट है जो आपसे किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बेटा यूज करवाया जा सकता है, तो आप लोग इसको सिंपली नोट कर सकते हैं। म्यू जो है वो टैन अल्फा के बराबर होता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आता है जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये होता है कि देखो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे रख रहे हैं तो पहले से नीचे, अब आप ग्राउंड से उस स्लोप का एंगल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक समय ऐसा आएगा इस स्लोप पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नीचे सरकने लगेगा, एक सर्टेन एंगल ऐसा आएगा जब वो सरकने लगेगा, उसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इट इज द मिनिमम एंगल that the inclined plane makes with the horizontal when the body placed on it just begins to slide down। यानी कि अगर ये एक inclined plane है, देखो ये एक inclined plane है जो कि किसी एक एंगल पर है, certain एंगल पर है, right? इस inclined plane पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जिस मिनिमम एंगल पर जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करते, देखो इनिशियली ये एंगल कितना था, 0 के बराबर, भैया ग्राउंड पे था, अब मैं इस एंगल को बढ़ा रहा हूं 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 बढ़ा रहा हूं, वो मिनिमम एंगल जिस पर ये सरकना शुरू कर दे बेटा उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज का नाम देते हैं, दैट मिनिमम एंगल, है ना। तो पढ़ो, डेफिनेशन आपके सामने है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जस्ट सरकना शुरू कर रहा है, यानी कि इस सर्टेन एंगल के जस्ट पहले ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में था। तो मैं भी यहां दिखा सकता हूं भैया, वेट लगा डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से लगा, ठीक है, और क्योंकि ये नीचे की तरफ आने वाला है तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट है। ये वाला एंगल बेटा अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये डब्ल्यू है ये थीटा है, तो एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा दैट इज डब्ल्यू कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट वेट का इधर की तरफ हो जाएगा दैट इज डब्ल्यू साइन थीटा, राइट, अलॉन्ग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। सिंपली देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये चीज सिंपल आप ज्योमेट्री से यहां पर देख सकते हैं। अब आप इसकी इक्वेशंस को बनाना शुरू करो भैया। देखो नॉर्मल रिएक्शन और डब्ल्यू कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और बेटा ये जो डब्ल्यू साइन थीटा है ये फ्रिक्शन के बराबर रहा होगा, है ना, डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो फ्रिक्शन के बराबर रहा होगा, राइट, फ्रिक्शन के बराबर रहा होगा, तभी ये ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में आ सकता है, तभी इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है। अब यार अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, राइट है, यानी कि ऑन dividing equation 2 by equation 1. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो w साइन थीटा अपॉन w कॉस थीटा हो जाएगा, w साइन थीटा बटे w कॉस थीटा बराबर फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन. डब्लू डब्लू कट गया है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा बराबर फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन. फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन का मतलब म्यू होता है, और मेरे प्यारे बच्चों म्यू जो है वो खुद टैन अल्फा के बराबर है ना. म्यू जो है वो खुद टैन अल्फा के बराबर है, जहां पर टैन अल्फा कौन सा एंगल है भैया, दैट वाज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. थीटा कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज. इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब थीटा एंगल अल्फा के बराबर होता है. यानी कि अगर किसी सरफेस के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन मान लो 30 डिग्री है, किसी सरफेस के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर 30 डिग्री है और आप इंक्लिनेशन का एंगल भी 30 डिग्री अगर कर दोगे तो जो ऑब्जेक्ट उस सरफेस पर रखोगे, उस इंक्लाइन पर रखोगे, वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा. राइट, ये मतलब है एंगल ऑफ रिपोज का. एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल है ना जब ये नीचे सरकना शुरू करता है, यानी जस्ट इस एंगल पर वो नीचे नहीं सरकेगा. ठीक है बेटा, इसी को एंगल ऑफ रिपोज हम लोग कहते हैं. फिर आता है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में समझो, जब कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग में होता है, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन किसके लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, फॉर प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग का मतलब यहां पर कोई स्किडिंग नहीं होगी, यहां पर ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ रोल कर रहा है, इसको प्योर रोलिंग बोलते हैं. राइट, प्योर रोलिंग का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से अगर रोल कर रहा है, ऐसे ऐसे रोल करते हुए जा रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा. चलो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, फिलहाल रोलिंग मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. रोलिंग मोशन जो है वो भी नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द रोलिंग सिलेंडर, यानी कि फ्रिक्शन, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है, ये रेडियस, जो भी सिलेंडर रोल कर रहा है या जो भी स्फीयर या जो भी व्हील रोल कर रहा है, ये उसके रेडियस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो रोलिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई आर हो गया, नॉर्मल रिएक्शन अपॉन रेडियस. ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई भैया, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आएगा म्यू आर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, म्यू आर टाइम्स एन बाई आर. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. देखो जैसे म्यू एस और म्यू के था, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, जो कि एक प्योर रेशियो होता है, यूनिटलेस होता है, ठीक है, कोई डायमेंशन उसका नहीं था. लेकिन ये जो म्यू आर है इसके पास डायमेंशन होता है, वो भी किसका, लेंथ का डायमेंशन होता है. It has a dimension of length. It has a dimension of length. ठीक है, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इस म्यू आर का यूनिट भी बेटा मीटर या फिर सेंटीमीटर हो जाएगा. Above equation is applicable only when there is rolling without slipping, यानी कि pure rolling. स्लिप नहीं होना चाहिए, स्किडिंग नहीं होनी चाहिए, स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्योर रोलिंग होना चाहिए, वहीं पर हम लोग इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं. ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं. वो टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल्ड रोड, यानी कि जब कार कहीं पर टर्निंग कर रही होती है, कोई मोड़ पर कार हमारी मुड़ रही होती है, तो वहां पर आखिर इसका मोशन किस तरीके से होता है. देखो ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि भाई एक कार है, ठीक है, वो कार ऐसे आ रही है और यहां पर ऐसे वो मुड़ने वाली है. इस तरीके से कार जो है, लेवल्ड रोड है, प्लेन रोड है, कोई पहाड़ वहाड़ पे हम नहीं है, प्लेन रोड है, और कार जो है ऐसे यहां पर मुड़ने वाली है. ठीक है, जब कार टर्निंग कर रही होती है, ये उस समय का डायग्राम है. तो आप देख सकते हैं सिंपल भैया, कार का अपना कुछ ना कुछ वेट है ना, कार के दोनों टायर पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो कुछ ना कुछ नेट एक नॉर्मल रिएक्शन भी हो गया. अब जब कभी इस तरीके की बेटा टर्निंग होती है, तो जनरली आपने देखा होगा एक्सीडेंट्स अगर कभी ऐसी टर्निंग्स पे हो जाया करते हैं, हाईवे वगैरह पे आपने अगर ध्यान दिया हो, तो अगर मान लो कोई हाईवे है, ऐसे आ रहा है, कार को ऐसे मुड़ना है, तो एक्सीडेंट आपने देखा होगा, कार आउटर में जाकर कहीं पर गिर गई, कूद गई, भिड़ गई, है ना, आउटर बाउंड्री से भिड़ गई. तो वहां पर जनरली कार आउटर में भागना चाहती है, मतलब कार अगर ऐसे आ रही है तो कार आउटर साइड में जाना चाहती है, ठीक है। तो यहां इसके टायर्स पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इनर साइड पर लग रहा होगा, अंदर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा चारों टायर्स पर, राइट। फिलहाल हम लोग नेट फ्रिक्शन F मान लेते हैं कि भाई कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहा होगा। तो यहां पर अगर आप टर्निंग करा रहे हो, एक चीज सोचो, अगर टर्निंग करा रहे हो तो इस टर्निंग का, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर बेटा इधर कहीं पर है, भाई आप चेक करो ना, अगर सर्कुलर पाथ ऐसा है तो इसका सेंटर यहां कहीं पर होगा, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ना कोई तो होगा यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो बेटा ये फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर टर्निंग नहीं कर सकता। तो फ्रिक्शन यहां पर है जो सर्कुलर पाथ पर टर्निंग करने के लिए आपकी हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये कार ऐसे आउटर में चली जाएगी, इधर से आएगी, इधर नहीं मुड़ पाएगी, आउटर में ही जाकर के भिड़ जाएगी। फ्रिक्शन उस आउटर में जाने से कार को रोकता है, आपके टर्निंग वाले मोशन को सपोर्ट करता है। फ्रिक्शन ही है जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो कंडीशन ये है कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है विच इज म्यू एन विच इज म्यू एम जी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना फोर्स इस फ्रिक्शन को मिनिमम देना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा दे सकता है लेकिन उससे कम फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए बेटा जितना सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है उतना तो चाहिए, बिना उसके वो पूरा हो ही नहीं सकता। सो दैट फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम काट दो, यहां से देखो हमें क्या मिल गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू। तो एक फॉर्मूला हमें बन गया कि वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, और वी कैन राइट वी इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक है। म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर क्या है रेडियस ऑफ द पाथ, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि उस कार की जो मैक्सिमम स्पीड हो गई ड्यूरिंग टर्निंग दैट इज अंडर रूट म्यू आर जी। कोई भी कार किसी भी मोड़ पर मैक्सिमम इतनी स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, या उससे कम होनी चाहिए लेकिन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कई बार टर्निंग के समय वहां पर लिखा होता है बोर्ड पर कि भैया स्पीड लिमिट है 45 किलोमीटर पर आर, 50 किलोमीटर पर आर, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। वो स्पीड लिमिट लगभग यहां से निकाली जाती है मेरे प्यारे बच्चों, कि इस टर्निंग पर कार की स्पीड ये होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फ्रिक्शन कार के टायर को घिसता है, कार का टायर भैया जल्दी जल्दी जो है घिस रहा होता है, लेकिन फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, बिना इसके हम लोग टर्निंग नहीं कर सकते हैं कार्स के केस में, राइट है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी पर बेस्ड, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक देखो क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहे हैं साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल्ड रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर। तो भैया स्पीड है कितनी साइक्लिस्ट की, 18 किलोमीटर पर आवर है, लेवल्ड रोड है बेटा, उस पाथ का रेडियस हमें पता है 3 मीटर के बराबर, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, उसने स्पीड को कुछ भी रिड्यूस भैया नहीं किया, वो अपनी रंगबाजी में चला आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें बेटा गिवन है 0.1 के बराबर। विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टर्निंग द व्हाइल टेकिंग द टर्न, कह रहे हैं कि क्या वो साइक्लिस्ट गिर जाएगा। तो आप सोचो अगर साइक्लिस्ट जा रहा है, मोड़ ले रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर। म्यू की वैल्यू है 0.1, रेडियस है 3 मीटर, जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू निकल करके कितनी आ जाएगी भैया, अंडर रूट 3 के बराबर, अंडर रूट 3 के बराबर। और अंडर रूट 3 कितना होता है, 1.732 है ना मीटर पर सेकेंड, 1.732 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी मैक्सिमम स्पीड है, हालांकि इस स्पीड को हमें किलोमीटर पर आर में लाना पड़ेगा, और मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आर में बदलना है तो तरीका देखो क्या है भैया, मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो 1.732 में आपको मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 18/5 का। ये चीज तो आपको पता होगा ना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाना बेटा तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइड बाई 5। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 6.02 नहीं 6.2 3 ठीक है किलोमीटर पर आर। अब आप देख सकते हो 6.23 किलोमीटर पर आर ये उस मोड़ पर उनकी मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड अलाउड नहीं है ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड थी लेकिन वो पार कर रहे हैं भाई साहब 18 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो उनका गिर जाना तय है। तो क्वेश्चन है विल द साइक्लिस्ट स्लिप, तो आपको बोलना चाहिए यस यस साइक्लिस्ट विल स्लिप, साइक्लिस्ट विल स्लिप, बिल्कुल वो स्लिप कर जाएंगे, वो उसको पार नहीं कर पाएंगे। नाउ सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड ठीक है। अब किसी बैंक्ड रोड की बात करते हैं, सर ये बैंक्ड रोड क्या है? बैंक्ड रोड का मतलब बेटा जब टर्निंग हो रही होती है, तो आपने कभी ध्यान दिया हो जो आउटर एज होता है, ये टर्निंग के समय जो आउटर एज होता है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, ये वाला एज नीचे है देखो, ये वाला ऊपर है। इस वाले डायग्राम में देखो ये मोड़ पर जा रही है कार, देखो ये वाला एज ऊपर की तरफ है जबकि इधर की तरफ देखो नीचे की तरफ है, इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड्स। कई बार आपने देखा होगा जब कोई साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है तो अपनी साइकिल को हल्का सा टेढ़ा कर लेता है, बेंडिंग के समय वो साइकिल को क्या करता है टेढ़ा कर लेता है देखो। हाँ ये केस पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं फिर मैं उस वाले केस पर आता हूँ, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ठीक है। बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट की बात करते हैं, व्हेन अ साइकिलिस्ट गोज राउंड द कर्व्ड पाथ सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, साइकिलिस्ट अगर कर्व्ड पाथ पर जा रहा है भैया तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज टू स्मॉल टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। टायर्स देखो, अभी आप कहोगे ना सर कार भी तो जब टर्न करती है तो सर कार के टायर पे जो फ्रिक्शन लगता है सर उसी की वजह से टर्निंग होती है, तो भैया कार में 4 टायर है, अच्छा खासा फ्रिक्शन होता है तो वो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। साइकिल में 2 ही टायर हैं, दोनों पतले पतले टायर हैं, उतना ज्यादा फ्रिक्शन वहां पर नहीं मिल पाता है कि जिससे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। दैट इज वाई अ साइक्लिस्ट गोज राउंड द कर्व लीन्स इनवर्ड। यही कारण है कि जो साइक्लिस्ट है जो कि मोड़ पर होता है वो साइकिल को थोड़ी सी झुका लेता है, बिकॉज देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इस डायग्राम में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो साइकिलिस्ट आ रहा है इसने आखिर अपनी साइकिल को नॉर्मल से वर्टिकल से देखो इतना झुका क्यों लिया, क्यों टर्निंग करा दिया। टर्निंग जरूरी है अगर मोड़ पर आना है, मोड़ में मुड़ना है, इधर की तरफ मुड़ना है तो साइकिल को हल्का सा इधर की तरफ बेंड ऐसे करना ही पड़ता है, अपने आप साइकिल या बाइक बेंड हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी बेंड हो जाती है। और जो रेसर्स होते हैं आपने देखा होगा वो तो लगभग अपनी बाइक को एकदम ऐसे लिटा ही देते हैं और तब टर्निंग कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा स्पीड से टर्निंग करनी है साइकिल को उतना ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, लेकिन ये कोशिश ना करना। आप लोग पता चला फैल गए रास्ते में ही, कहोगे शैलेंद्र सर ने कहा था, पीडब्ल्यू वाले शैलेंद्र सर बोल रहे थे है। तो भाई साहब देखो अगर ये साइकिल ऐसे टर्निंग में है, अगर ये हल्का सा बेंड है नॉर्मल से थीटा एंगल पर, तो बेटा इनका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, इनके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा राइट। ये एंगल थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट हो गए एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। अब आप चेक करो अगर ये इस तरफ मुड़ रहे थे तभी तो ऐसे इंक्लाइंड है ना, और ये जो एन साइन थीटा है यही एन साइन थीटा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर क्या करेगा प्रोवाइड करेगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं एन साइन थीटा, एन साइन थीटा विल प्रोवाइड, एन साइन थीटा विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो एन साइन थीटा है यही वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों एन साइन थीटा जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r ठीक है। ये mv स्क्वायर अपॉन r यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया एन साइन थीटा, और जो एन कॉस थीटा है वो हमारा mg के बराबर हो गया, यानी उसने वेट को बैलेंस कर दिया, एन कॉस थीटा ने mg को बैलेंस किया। लेकिन ये जो एन साइन थीटा है यही है यहां पर जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग बेटा डिवाइड कर देंगे, अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 अगर हम लोग कर देंगे तो एन से एन कटेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे टैन थीटा आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू m से m कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां से देखो तुम्हें v की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज अंडर रूट आर जी टेन थीटा। v की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यानी कि दो कंसेप्ट आपने पढ़े। पहला कंसेप्ट आपने पढ़ा कि अगर साइकिल वाले को टर्निंग करनी है तो साइकिल बेंड कराना पड़ेगा, साइकिल को बेंड कराना पड़ेगा। कितना एंगल बेंड कराना पड़ेगा? थीटा एंगल बेंड कराना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू आएगी इस फार्मूले से, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपन आर जी। या फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर वो 30 डिग्री पे बेंड होकर जाना चाहता है तो आखिर उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो उसकी स्पीड अंडर रूट आर जी टेन थीटा। दूसरा कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि अगर कोई कार है और वो कार टर्निंग कर रही है किसी प्लेन रोड पर तो वहां फ्रिक्शन होना चाहिए। तो फॉर्मूला था भैया मैक्सिमम स्पीड अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर, यानी टेन थीटा की जगह म्यू वहां पे रखा हुआ था। म्यू क्या था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि या तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है या तो बेंडिंग रिक्वायर्ड है, राइट। अब बात आती है सर, ये तो था साइकिल की बात, ठीक है, साइकिल की बात छोटी बात है। अब बात आती है सर कार हमें बेंडिंग करानी है सर, है ना। अब कार में भी वही बात है, फ्रिक्शन दो और अगर कम पड़ रहा है फ्रिक्शन तो फिर कार को बेंड कराओ। अब कार को बेंड तो हम करा नहीं सकते रजनीकांत स्टाइल में, तो हमें सड़क को बेंड करना पड़ता है, हमें सड़क को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि कार को तो हम ऐसे उठा नहीं पाएंगे कि भैया कार दो टायर पे चल रही हो। मूवीज में ही दिखता है खाली, है ना, वो डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टर्निंग के समय हाईवे पर जो ये आउटर पोर्शन है इसको उठा देंगे। इसी प्रोसेस को बेटा बैंकिंग बोलते हैं, पढ़ो। द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड अबव द इनर एज is called banking of the curved roads. ठीक है, the angle through which outer edge of the curved road is raised by the inner edge is called angle of banking. जितने एंगल से आपने इसको उठा दिया, आउटर एज को उठा दिया, उसी को एंगल ऑफ बैंकिंग कहा जाता है। दोनों डायग्राम्स को बहुत ध्यान से देख लीजिए, राइट। अब यहां पर देखो एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक कार है, सर्कुलर रोड पर है, ऐसे रोड पर वो है, लेकिन वो रोड की बैंकिंग की गई है, यानी रोड का ये जो आउटर एज है उसको ये देखो थीटा एंगल उठा दिया गया। प्लेन रोड नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अब क्या होगा, अब देखो कार का वेट डाउनवर्ड होगा, ठीक है। कार के ऊपर देखो इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन होगा, राइट। और ये वाला एंगल थीटा है बेटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट हो गया एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा, ठीक है। ये काम तो सिर्फ बैंकिंग की वजह से हुआ है, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन भी होगा भाई, सड़क है तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी होगा। तो ये कार का जो ये टायर है, इस टायर पर फ्रिक्शन भी अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ फ्रिक्शन बेटा इधर की तरफ अप्लाई हो रहा होगा। अब अगर फ्रिक्शन इधर की तरफ अप्लाई हो रहा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फ्रिक्शन के कॉम्पोनेंट्स करने पड़ जाएंगे, राइट। तो फ्रिक्शन का हमें इधर की तरफ भी कंपोनेंट करना पड़ेगा और फ्रिक्शन का इधर की तरफ भी कंपोनेंट करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, देखो ये और ये तो पैरेलल ही है, राइट। और ये तो अलोंग इंक्लाइन लग रहा है, हाँ। तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दिस एंगल इज थीटा। अब ये f है, ये थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट है ये f cos थीटा हो जाएगा बेटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो f sin थीटा हो जाएगा, राइट है। बहुत ध्यान से समझ लेना इस बात को, बहुत ध्यान से देख लेना भैया। टायर पे फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ, क्योंकि जो कार है वो आउटर साइड में जाना चाहती है। कार अगर आउटर साइड में जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। मैं यही चीज को इधर भी दिखाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये फ्रिक्शन लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक। अब ये एंगल बेटा थीटा है, तो सोचो हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा ना। अब ये फ्रिक्शन है, ये थीटा है, तो इधर की तरफ f cos थीटा और इधर की तरफ f sin थीटा, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। यही मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पर फोर्सेज हो गए। अब आ जाओ जरा चीजों को, इक्वेट फोर्सेज को बैलेंस किया जाए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से मेरी बात को समझ रहे हैं तो एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, एन कॉस थीटा, mg और f साइन थीटा नीचे है। तो एन कॉस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा, राइट। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि भैया एन कॉस थीटा minus f sin theta that is equal to mg. This is our equation number one. ये मैंने क्या दिखाया कि भाई कार अगर टर्निंग पर है तो इक्विलिब्रियम में तो रही होगी, है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, mg और f sin थीटा नीचे की तरफ है, बैलेंस हो गए। अब यहां पर जरा आप देखो लेफ्ट साइड में एक है n sin थीटा और एक है f cos थीटा। ये जो n sin थीटा है प्लस f cos थीटा है, ये दोनों बेटा मिल करके यहां पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mv स्क्वायर बाई r। ये दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके, ये n sin थीटा और ये f cos थीटा दोनों लेफ्ट साइड में है, तो ये दोनों मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। यानी यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन भी दे रहा है और नॉर्मल एक्शन भी दे रहा है, यानी कि जो बैंकिंग हमने कराई उसकी वजह से भी मिल रहा है सेंट्रीपिटल, और जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से तो मिल ही रहा है, राइट। दोनों ने कंबाइंड हो करके हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन, जैसे आप डिवाइड करोगे ये बनेगा एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बेटा लिखते हैं म्यू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन है तो फिर से म्यू एन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एम से एम कट जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ऐसा लिख सकता हूं, राइट। पूरी इक्वेशन से देखो एन कॉमन कर लो, नीचे से भी एन कॉमन कर लो और एन से एन उड़ा दो, तो बन जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, एन से एन कैंसिल हो गया बेटा, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी। मेरे प्यारे बच्चों पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड करो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टैन थीटा which is equal to v square upon rg। यहां से अगर आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको v का एक फॉर्मूला मिलेगा, v का एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, v स्क्वायर बराबर आर जी, इधर भेजेंगे ना तो स्क्वायर है भैया तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टैन थीटा, राइट। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ये फॉर्मूला बेटा निकल कर आ गया। यानी कि अगर कार जो है किसी ऐसी सड़क पर मुड़ रही है जिस सड़क की बैंकिंग की गई, जिसका आउटर एज उठाया गया है, तो जो उठाया गया है उसकी वजह से भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, जो फ्रिक्शन लगा है उसकी वजह से भी वहां पर फोर्स जो है लग रहा है, राइट। तो ये उसकी स्पीड आ जाती है ड्यूरिंग टर्निंग, ठीक है। ऐसे देखो यहां पर भी हम लोगों ने स्पीड निकाली थी, अंडर रूट मैक्सिमम स्पीड आई अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर। ये लेवल्ड रोड है, अब देखो यही चीज वहां पर है। अगर यहां पर मैं थीटा की वैल्यू जीरो कर दूं, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो होने का मतलब बेटा नो बैंकिंग, कोई बैंकिंग नहीं है। वही पीछे वाला फॉर्मूला देखो आ जाना चाहिए, अगर कोई बैंकिंग नहीं है तो v बराबर अंडर रूट आर जी टेन जीरो जीरो होता है, ऊपर म्यू बचेगा अपॉन वन माइनस म्यू टेन जीरो, यानी कि ये भी जीरो हो गया, राइट। तो म्यू बटे वन यानी कि म्यू, तो आप लोग देख सकते हैं ये वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट म्यू आर जी। तो इसको अच्छे से लिखते हैं अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर बैंकिंग नहीं है तो स्पीड कितनी आ जाएगी, अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर। और अगर बैंकिंग है, ठीक है, केवल बैंकिंग है, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, वो भी देखो, इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो दैट मींस नो फ्रिक्शन। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, हालांकि हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अगर फ्रिक्शन ही ना हो तब बेटा स्पीड देखो कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी अंडर रूट आर जी टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू तो जीरो ही है तो टेन थीटा बटे वन, तो ये बन जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। बोलो ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, अरे भाई ये भी पढ़ा चुके हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ बैंकिंग से काम चलाना पड़ेगा। स्पीड होगी अंडरवुड आरजी टेन थीटा। अगर बैंकिंग नहीं है तो फ्रिक्शन से काम चलाना पड़ेगा अंडरवुड म्यू आरजी। और अगर दोनों प्रेजेंट है ना, तो ये पूरा फॉर्मूला है बेटा अंडरवुड आरजी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा अगर किसी भी बैंक्ड रोड पर कोई कार हमारी टर्निंग कर रही है तो। राइट, आई होप आपको कंसेप्ट बड़ा अच्छे से बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से बेटा इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। स्कूल्स के लेवल पर आपसे कोई बहुत टफ चीजें इस पे नहीं पूछी जाएंगी। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व मैंने दे दिया है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में ही दे रहा हूं, बट ठीक है हिंट आपको मैं दे रहा हूं। देखो सॉल्व पूरा मैंने दे दिया है। सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। रेडियस पता है बेटा 15 डिग्री की बैंकिंग है। कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील ऑफ द, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको सीधे सीधे दे रहे हैं 0.2 के बराबर। What is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on the tires? कह रहे हैं कि अगर टायर्स पे wear and tear ना हो तब उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। भैया wear and tear ना हो इसका मतलब क्या है? No friction। देखो फ्रिक्शन होगा तो कार का टायर घिसेगा, और अगर हम चाहते हैं कि ना घिसे मतलब फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन ना हो, सारा काम सिर्फ बैंकिंग से ही हो, तो फॉर्मूला क्या होता है भैया? स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट आरजी टेन थीटा, अभी पढ़ाया। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड आपको बतानी है अगर हम स्लिपिंग को अवॉइड करना चाहते हैं तो इसका मतलब सिंपल है कि भैया फ्रिक्शन है यहां पर, है ना, तो आपको ये वाला पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज अंडर रूट आरजी, देख सकते हैं आप 1/2 मतलब बेटा अंडर रूट आरजी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। बात देखिए म्यू गिवन है, tan 15 गिवन है। अब वो tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लेना यार। tan 15 डिग्री की वैल्यू चाहे साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालो, वैसे भी निकाला जा सकता है। tan 45 माइनस 30 कर देना, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। tan 15 डिग्री की वैल्यू बच्चा कैलकुलेट अगर करनी है तो तुम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा लो ना यार। tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे कर लो। tan ए माइनस tan बी, है ना, tan ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओ ना। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, लगा लेना, आ जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अ मीटर स्केल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई स्केल है भैया, मूविंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दिस इंप्लाइज फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब फोर्स जो है इनके ऊपर जीरो है, तो सही है। फोर्स ऑन द स्केल इज जीरो बट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कैन एक्ट ऑन द स्केल। अब यार जब फोर्स ही जीरो हो गया तो टॉर्क काहे बात का रहेगा? जब फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी जीरो है, क्योंकि टॉर्क बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो एंड टॉर्क एक्टिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज ऑल्सो जीरो, मतलब फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। टोटल फोर्स ऑन इट नीड नॉट टू बी जीरो बट टॉर्क जीरो। अरे चलो, तो अल्टीमेटली अगर फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब फोर्स जीरो है, मतलब टॉर्क भी धड़ाधड़ जीरो है। अरे वाह, सॉल्व। सो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें कई क्वेश्चंस भी कराए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको मैंने सिखाए हैं। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, लेक्चर को फिर से एक बार रिवाइज करके देखो, और उसके बाद करना है आप लोगों को सभी को होमवर्क। क्या 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रेगुलरली करने हैं। बाकी आपको इस सीरीज में एक प्रैक्टिस शीट भी मिल रही है ऐप पर, आप लोग चेक कर लेना भाई। ऐप में आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस शीट, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट वहां पर आपको दी गई है, विद सॉल्यूशन दिया गया है। तो वो क्वेश्चंस भी करने हैं जो मैंने यहां पे कराए हैं, ये भी करने हैं। इसके बाद जो भी आपके पास बुक हो, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है, नूतन की हो, एसएल अरोरा हो, मॉडर्न एबीसी हो, ठीक है, इस तरह की कोई भी बुक, उस बुक को उठाएंगे, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये क्वेश्चंस कहां से आएंगे सर जो आप होमवर्क में देते हो। बेटा तुम्हारी बुक से आएंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी मत उठाना। एनसीईआरटी से पहले कोई रेफरेंस बुक हमेशा करने की आदत डालो। नूतन की ले लो, एसएल अरोरा वैसे बहुत अच्छी किताब है, एसएल अरोरा आप ले सकते हैं। एबीसी भी ठीक है, बहुत ज्यादा दिया होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बट आप एसएल अरोरा ले सकते हो। उससे क्वेश्चंस को करना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, उसके एग्जांपल्स जितने हैं सारे बनाओ। अच्छे से क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस फील होगा। फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे आ जाना, सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में वैसे भी बहुत गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 20-22 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में। तो केवल 20-22 से मजा नहीं आएगा, मतलब वो कॉन्फिडेंस आपको फील नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्या करना है, रेफरेंस बुक से रेगुलर 20 क्वेश्चन करने, रोज 20-20-20-20-20, तो कम से कम 60-70-80 क्वेश्चन तो आप मिनिमम अगले 4-5 दिन में लगा ही डालेंगे। इतने क्वेश्चंस हर चैप्टर में करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइएगा कि ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।